सुनो, मिनिस्टर साहब थोड़ी देर में बाहर आते ही होंगे, उनके आते ही नारे लगाने शुरू कर देना। ये लोग कह रहे हैं कि पूरी पेमेंट के बिना काम नहीं करेंगे, ये तो मरवा के छोड़ेंगे। चलो देखते हैं। सुनो, चीफ मिनिस्टर सिर्फ 10 मिनट के लिए आएंगे, मुझे उन्हें विश्वास दिलाना है कि मेरे पास बहुत सारे वोट हैं, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। तुम ऐसा झांसा पहले भी दे चुके हो, पिछली बार की पेमेंट अभी तक बाकी है। अरे मिनिस्टर साहब आ गए, नारे लगाने शुरू करो भाई। अभी सिर्फ भीड़ जमाने के पैसे मिले हैं, नारे लगाने के नहीं। मित्र नमस्कार। ये लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अरे ये लोग पॉलिटिकल रैली में आया है किसी के चौथे में। मेरे हाथ में पैसे आते ही इनके हाथ हिलने लगेंगे। अच्छा ठीक है, ये लो। क्या करते हो? धरने देना, रास्ता रोकना, पॉलिटिशियंस की इमेज सुधारना या बिगाड़ना, ये पॉलिटिकल सर्विस है। धार्मिक आयोजन हो या बाबा का प्रवचन हो या फिर लॉन्जरी वाली मॉडल्स के फैशन शोज हो, बच्चों की पार्टी से लेकर रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करना, ये सोसाइटी के लिए। उसके अलावा शादी करवाने से लेकर लड़की को जबरदस्ती भगवाना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। बेसिकली ऐसे सभी इवेंट्स के लिए क्राउड मैनेजमेंट का बिजनेस करता हूं सर। जब इतने लोगों का सपोर्ट है तो तुम पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? पॉलिटिशियंस के लिए काम करने में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत आगे जाओगे, एक बार हाँ तो करो, इसकी नौकरी दूंगा। जीएम साहब जिंदाबाद। क्या है यूजर, मेरी जगह लेना चाहता है? अगर अपना काम ईमानदारी से करोगे तो कोई तुम्हारी जगह क्यों लेगा। सर मैं पहुंच गया हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी। साड़ी बहुत सुंदर है। ए, ये देखना। जरूरत कैसे की इतने बड़े पुलिस ऑफिसर? तू पुलिस वाला है तो क्या हुआ, तू जानता है मैं किसकी औलाद हूँ? मेरा बाप इधर का मिनिस्टर। तू चाहे किसकी भी औलाद हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी शहर में मैं नया हूँ। चल भैंस के तबेले का सारा चारा यही खा जाता होगा, चारा घोटाला इसी ने किया होगा। इधर आ, इधर आ। सर आपने किसी काम से बुलाया था क्या? किसी केस के लिए क्राउड चाहिए? क्राउड की जरूरत नेता को होती है, मुझे प्यार के मामले में हेल्प चाहिए। आपको मेरी हेल्प चाहिए? पुलिस ही सबकी हेल्प करेगी, तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता? करूंगा, पर आप प्यार कैसे? धोती कुर्ता पहनने वाला महात्मा प्यार कर सकता है, तो क्या खाकी वर्दी वाला प्यार नहीं कर सकता? चल दिखाता हूँ। वो वहाँ देख, वहाँ जो साड़ी में लिपटी हुई एक सफेद संगमरमर की मूर्ति दिख रही है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या हुआ, गैस का प्रॉब्लम है क्या? सर आम आदमी नाश्ते के बजाय पास्ता खाएगा तो पचेगा नहीं। ये पास्ता है? हाँ सर, हाई क्लास लड़कियों को पास्ता कहते हैं। इन लड़कियों के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इनको पटाना बहुत मुश्किल होता है, पट भी गई तो इन्हें मेंटेन करना और मुश्किल होता है। स्टेप बाय स्टेप सुनो, सुबह सुबह वो आपको एक मिस कॉल देगी, फिर खुद की 10 फोटो खींच कर वो सेल्फी फेसबुक पर अपलोड करेगी। सेल्फी लाइक करके आप उसे फोन करेंगे तो वो फोन उठाएगी नहीं, आधे घंटे बाद वो आपको फिर मिस कॉल देगी। फिर आप उसे फोन करेंगे तो बात करने के बजाय वो आपको किसी लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाएगी। खाली हाथ तो जाओगे नहीं, गिफ्ट तो देनी पड़ेगी। वो खुद वहाँ लेट आएगी, फिर घर का सामान बेच कर लोन लेकर आप एक बाइक खरीदोगे, लेकिन वो सेकंड हैंड बाइक उसे पसंद नहीं आएगी। वो कहेगी नहीं नहीं मुझे फैंसी बाइक चाहिए। आप अपनी एक किडनी बेचकर एक स्पोर्ट्स बाइक ले भी आते तो भी स्पीड ब्रेकर पर वो आपकी कमर में हाथ नहीं डालेगी, बस कंधे पर हाथ रखेगी। वो कहेगी आईब्रोज करवाने हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाओ। फिर बोनस में हेयर कलरिंग, स्विस फेशियल, फ्रेंच वैक्सिंग, इटालियन मैनिक्योर, जर्मन पेडिक्योर सब करवा लेगी। फिर बाहर आकर पहले कहेगी सॉरी लेट हो गया, फिर आपका क्रेडिट कार्ड मांगेगी और उसे स्वाइप करेगी। बिल देखकर आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। फिर कहेगी आपके लिए गिफ्ट लेना है, इसीलिए आपको मॉल ले जाने के बहाने खुद के लिए पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर, ऑफिस वेयर, यहाँ तक इनर वेयर खरीदेगी।
आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पूरे एक साल की सैलरी वो एक ही दिन में उड़ा देगी। फिर आपको पिक्चर दिखाने के बहाने कॉर्नर सीट पर बिठाकर कंधे से कंधा रगड़ेगी। आप भी हिम्मत करके हाथ रख देंगे, कहेगी नॉट इन पब्लिक, मुझे शर्म आती है। फिल्म के बाद उसे भूख लगेगी, वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आपको ले जाकर सब कुछ मंगा लेगी। फिर दो पीस खाकर बाकी खाना पैक करा के खुद के घर ले जाएगी। ओह माय गॉड, आप कहेंगे चलो दिन तो खत्म हो गया, लेकिन दिन के एंड में एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट का नाम है डिस्कोथेक। इस भयानक जगह में आप उसे लेकर जाएंगे तो कहीं से हैंडसम आदमी आएगा और वो सीधा आपकी गर्लफ्रेंड के पास आकर कहेगा, हाय हनी, कम लेट्स गो फॉर अ डांस। पिकअप तो आपने किया था पर ड्रॉप कोई और करेगा। रिचार्ज आप करेंगे, चैटिंग किसी और से करेगी तो क्या फायदा? हाई क्लास लड़की से प्यार करना ही क्यों? अच्छा मतलब तुम मुझे प्यार करने से मना कर रहे हो ना? ओके, तुम्हें जो लड़की सूट करेगी वो मुझे करेगी। सर हमारे लिए सीधी सादी घरेलू लक्ष्मी चाहिए, दिखने में सुंदर, अच्छी खासी संस्कारी, जो हमारी जिंदगी को सुख और शांति से भर दे। सर हाई क्लास लड़कियों की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बताकर तुमने मेरी आँख खोल दी। करेक्ट सर, मुझे पास्ता नहीं खाना चाहिए, मुझे तो 24 कैरेट शुद्ध देसी स्टाइल की लड़की जमेगी। आज से उस हाई फाई को टाटा बाय बाय। मैं आप लोगों की आभारी हूँ जो आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ आए। मामा सब कैसे जाते हैं? सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता देवी जिंदाबाद, चाहे उसके लिए सरकार की मदद हो। योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता देवी जिंदाबाद, योगिता देवी जिंदाबाद। मुझसे नहीं पढ़ने वाली है, अभी अभी इस पर भाषण देकर आ रहा हूँ। अरे ये क्लास का फंडा तेरे परदादा के टाइम पे होता था, आजकल की लड़कियाँ तेरे ऐसे टॉल डार्क हैंडसम बॉयज को पास करती है। सच में तेरा मामा मामू नहीं है भांजी? अबे जल्दी सामान उतार। साहब जी बोल, जैसा आपने कहा था ना, मेरी बीवी भाग तो गई थी लेकिन एक ही हफ्ते में धोबी के घर से लौट आई। लौट आई ना? अच्छा, एक हफ्ते में ही तेरी बीवी धोबी के पास से भाग के चली आई ना, इसका मतलब वो घोंचो तुझसे भी गया गुजरा होगा। इनकी भविष्यवाणी करेक्ट है और तेरी बीवी कैरेक्टर लेस है, शायद तो जानता नहीं इस झिंगुर की भविष्यवाणी एक आग से कहानी है। सर आप मुझे चाहे जो भी बोल लो। अभी झिंगुर तो बोला, लेकिन ज्योतिष विद्या सही है, सब उसी से तय होता है। इधर आ, तुझे अपनी बेकार बेमतलब भविष्यवाणी पर इतना भरोसा है ना? तूने मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? अगले 10 दिन मेरे लिए बुरे हैं, इसलिए 20 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। अभी भी यही कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में शनि की दशा है, अगले 10 दिन आपको भारी पड़ने वाले हैं। भारी नहीं, चाय के साथ खा रही है, प्रमोशन होने वाला है। कमिश्नर के टेबल पर मेरा प्रमोशन लेटर पड़ा है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा। मेरी बात मानिए सर, अभी मंदिर में जाकर 10 रत्न चढ़ाइए, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। प्रकोप से सड़क छाप डरपोक डरते हैं, मैं नहीं डरता। सर पछताएंगे। अबे दड़ियल, कार में एसी की हवा खा रहा है क्या? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी का मुंह खोल, अब किक मार के देख। सर थैंक यू सर। तेरी तो साइकिल चलाने वाली औकात भी नहीं लगती, ये खटारा गाड़ी किसकी है? चोरी की है क्या? मेरी है सर। गाड़ी का नंबर बता। 0006। ठीक है गेट आउट। फिर नहीं मिलेंगे सर। सर आपने नंबर प्लेट देखी क्या? उसने गलत नंबर बताया। चिरकुट कहीं का, अपने गाड़ी का नंबर भी याद नहीं रख सकता। सर गुड मॉर्निंग सर, तुमने यहाँ से किसी को रेड चेक शर्ट में जाते हुए देखा? उसकी गाड़ी चालू करके मैंने उसे यहाँ से भेजा। अरे वो एक खतरनाक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तुमने उसकी मदद की? तुम्हें अकल नहीं है क्या? आप में अकल नहीं है क्या? What? सर सॉरी सर, सरकार ने आपको रेडियो गाने सुनने के लिए नहीं दिया, मुझे मैसेज मिलता तो मैं उसे पकड़ता ना। टॉम एंड जेरी कार्टून की तरह उसका पीछा कर रहे हो। ये 6 महीने से चल रहा सीक्रेट ऑपरेशन है। हार्ट का ऑपरेशन डॉक्टर 30 मिनट में करता है, आपको एक ऑपरेशन करने में 6 महीने कैसे लग गए? तुम्हें देख लूंगा, चलो जल्दी। सर आपने देख लिया ना सर, मेरी भविष्यवाणी सच निकली, शनि आपकी बगल में आकर बैठ गया है। सोमवार को डियो मार के शनि को भगा दूंगा। हाँ छोड़, पहले तो मैं दड़ियल आतंकवादी को पकड़ूंगा, कमिश्नर साहब को सौंपूंगा और वो मुझे एसीपी के बजाय डीसीपी बना देंगे। तो चुपचाप गाड़ी में बैठ। सर, लेकिन जाना तो उस तरफ है ना? अबे काले सांड, शॉर्टकट मारेंगे कट टू कट पहुंचेंगे। सर थोड़ा धीरे चलाइए ना सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे मोटे चक्कर से कुछ नहीं होगा, आज मैं दही शक्कर खा गया। अब
सर टेररिस्ट का गेम ओवर होता अगर कवर नहीं होता। आपको तो चोट लग गई, आप क्या पिकनिक पर जा रहे थे जो आगे बैठे थे? आपको तो पीछे बैठना चाहिए, कमिश्नर है ना? टेररिस्ट का पीछा करने के लिए किसने कहा था? सर मैं पुलिस वाला हूँ और इंटरनेशनल अपराधी को पकड़ना मेरा फर्ज बनता है, तभी तो आप मुझे डबल प्रमोशन देंगे ना। डबल प्रमोशन नहीं, डबल डिमोशन दूंगा। आज से तू इंस्पेक्टर नहीं हवालदार होगा। सर हम किसके घर के सामने चौकीदारी कर रहे हैं, चलो ना। दिमाग में गोबर भरा है, ये मेरी सेटिंग है। आपकी सेटिंग है? हाँ। आप खुद 100 ग्राम के और सेटिंग 100 किलो की। अबे गोबर सिंह ये मेरी नहीं, उस टेररिस्ट की आइटम है। वो हर महीने इससे मिलने के लिए आज के दिन यहाँ आता है, आज आएगा तो पकड़ लेंगे। अगर वो इसे मिलने नहीं आए तो आप इसे गोद ले लीजिए, उसकी आइटम है और मेरी गोद पहले से ही हरी भरी है। तो कायदे से आपको इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। मैं पंडित नहीं कमिश्नर हूँ। ये चारा है उस मछली को जाल में फांसने के लिए। वो यहाँ आएगा, तुम उसे गोली मारोगे और मेडल मैं ले जाऊंगा ढक चक्की। सुपर आइडिया सर, लेकिन मेरा आइडिया सुपर से भी ऊपर। 3 गुंडे जेल में, डेंजर दिनेश, चौकन्ना चंदू और आलसी एंडी, तीनों को छोड़ देंगे, सब पार्टी करेंगे, तब दड़ियल को दबोच लेंगे। ए, मैं क्या तुम्हें गधा नजर आता हूँ? नहीं, इस वर्दी में तो आप बड़ी चोंच वाले उल्लू दिखाई दे रहे हैं। अरे वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें डिपार्टमेंट में भर्ती किया? तारीख तो याद नहीं, लेकिन उस दिन आपने अपनी बर्थडे केक खिलाई। जले हुए आलू, तूने बोला था ना मेरा टाइम खराब चल रहा है, अब देखते जा, मुझे मेरा डबल प्रमोशन मिल के रहेगा। कार अपने आप कैसे चल रही थी? सर सॉरी सर, निशाना मेरा गाड़ी का पिछवाड़ा था, आपका पिछवाड़ा नहीं। सर कसूर आपके पिछवाड़े का है, ना मांस है ना मसल है। कल सुबह जोर लगा ना, गोली खुदक के निकल जाएगी। एक तो मेरा आसन भ्रष्ट कर दिया, ऊपर से पंच मार रहा है। यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंड कर दिया। ये खतरनाक हथियार हमने इसे बरामद किए हैं। 6 महीने दिन रात मेहनत करके हमने इस खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट को पकड़ा है। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पूरी ऊटी तबाह हो जाती। तो ठीक है सर, लेकिन आप ड्यूटी पर लुंगी में क्यों आए हैं? ये सिंपल लुंगी नहीं, बड़े बड़ों की पुंगी बजाती है। 1 मिनट, एक्चुअली टेररिस्ट इसी वजह से पकड़ा गया। सर इन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं किया, तभी तो पकड़ा गया। पिछली बार की तरह कुछ करता तो ये टेररिस्ट फिर से भाग जाता। क्यों बेटा, सस्पेंशन लेटर लिया? अब अगले 1 महीने के लिए वर्दी नहीं पहन पाओगे। मैं तो सिर्फ वर्दी नहीं पहन पाऊंगा ना, आप अगले 3 महीने पैंट तो क्या, चड्डी भी नहीं पहन पाएंगे, लुंगी में घूमना पड़ेगा। सर जी, पहले 2 बार तो मैं तुम्हारी वजह से बाल बाल बच गया था, तीसरी बार कहाँ रह गए थे मेरे दोस्त? तेरी वजह से मैं सस्पेंड हो गया, वरना तेरी दाढ़ी के बाल मैं चुन चुन के निकालता। तुझे शर्म आनी चाहिए, इस बास के बम्बू ने तुझे पकड़ लिया, इसकी तो हड्डियां भी तालियां बजाती है। आया बड़ा आतंकवादी। अरे कम से कम पब्लिक में तुम्हारा नाम इज्जत से लिया कर, आफ्टर ऑल आई एम कमिश्नर। कार्टून सीरियल में भी आपको कोई रोल नहीं देगा और अपने तो कमिश्नर बोल रहे हैं। हाँ सेल्फी ले ले रहे। अभी भी देर नहीं हुई है सर, शनि देव के सामने 10 रात में तेल चढ़ा दीजिए, फिर शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं अपना प्रमोशन हासिल करूंगा, उसके बाद कमिश्नर को तमाचा मारूंगा। माचिस दे आग लगानी है। भगवान जी नमस्ते, ना शरीर पर वर्दी है ना जेब में चिल्लर, इसलिए आपसे भीख मांगने आया हूँ। अगर आपने मुझे ACP या DCP बना दिया तो मैं आपके लिए देसी घी के दिए। सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए आग लगाई। पगले चली सी, वक्त कैंसिल हो गई। अच्छा तो मैं कला की ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं, जो चाहे कर ले बेटा। हाँ। तुमने उस टेररिस्ट की फिर से भागने में मदद की, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। डिसमिस कर दिया। ये लो इसको। इतने पैसों से बंगला तो नहीं बांध पाऊंगा, चाय पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से तुमको ये नौकरी दिलवाई है, कोई बेवकूफी करके मेरा नाम खराब मत करना। ECP बनने वाला था, सीधा दरबान बना दिया। चिंता मत करो, ये हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारा बैड लक खत्म और अच्छे दिन शुरू। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे बुरे दिन कब खत्म होंगे। कब होंगे? जब तू यहाँ से जाएगा तब। अबे निकल क्या बेटा, निकल नहीं तो। बाय, आई कॉल यू। हां हे माया, एक सेकंड रुको, मुझे जाने दो। यहां ना सर आप यहाँ? पता होता कि मैं हूँ तो 10 के बजाय 100 देता ना। बहुत बुरा हुआ सर, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये कपड़े उतारिए और चलिए मेरे साथ। कपड़े उतार के नंगा हूँ क्या?
क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो तूने मेरा उड़ाया है। तूने मुझे उस पास्ता से दूर रहने के लिए भाषण दिया, अब खुद ही नाश्ते में पास्ता खा रहा है। सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो किस्मत है, किस्मत ने सब कुछ करवाया है सर। किस्मत ने तेरे गले पे चाकू रख के करवाया? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं कह रहा, सच है सर। उस दिन मैं अपने गार्डन में खड़ा था और तब मुझे वो नजर आई। यहाँ तो बारिश हो रही है, किस्मत कहाँ से आई? ये तो किस्मत ही है ना सर, बारिश एग्जैक्टली 8 बजे आई, पहले या बाद में आ सकती थी, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली तब आई जब वो जॉगिंग करते करते बिल्कुल मेरे घर के सामने थी। इसकी जानकारी तो मौसम विभाग के पास ही होगी। कंटिन्यू। हेलो, आई एम संजय। इस बेवक्त की बारिश ने जॉगिंग का शेड्यूल खराब कर दिया। जॉगिंग करने के लिए नंगे पैर गए थे? ये तो एक्यूप्रेशर जॉगिंग है, पैरों में पत्थर चुभते हैं तो मसल्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों ना इस घर में चले। हेलो, घर खुला हुआ है तो क्या अंदर चले जाएंगे? पता नहीं किसका घर हो। जिसका भी हो हमारी मदद तो करेगा ही ना, बहुत बारिश हो रही है, चलिए ना। नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूं। रुको एक सेकंड, एक सेकंड। अब चलो। गीली हो जाएगी, ओनर देखेगा तो मारेगा। कोई बात नहीं, बाइक ही तो है, गीली होगी तो गल नहीं जाएगी। आजा आजा, चलो चलो। पहले कभी तुम्हें ऊटी में नहीं देखा? मैं प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, बॉटनी स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम माया है। संजय, बाइक का कवर लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, लॉन में पानी देते वक्त तुम्हारी बाइक के कवर पर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो सारा घर सर पर उठा लेते हो। अब कवर लेकर घूम रहे हो तो तुम्हारी बाइक नहीं गीली हो रही? वैसे ये लड़की कौन है? फ्रेंड है माँ। फ्रेंड है तो इसे घर पर लेकर जाना चाहिए था ना, इस तरह बारिश में घूमने का क्या मतलब है? जल्दी से घर आ जाओ। इसे छोड़ के आता हूँ माँ। फ्रेंड हूँ। अगर नहीं हो तो बन जाओगी ना, और बाद में? पहले फ्रेंड तो बन जाओ ना, भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश बंद हो चुकी है। पॉज करो, कवर ब्लू रंग का था क्या? बाप रे, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था, आपको कैसे पता चला? संजय, एक सॉलिड ऑफर मिला है, एक लड़की को उठवाना है और 25,000 रुपए एडवांस में मिले हैं। पार्टी बाहर खड़ी है, तू हाँ कह दे। अरे हम सिर्फ लोग सप्लाई करते हैं, गलत काम नहीं करते, जाकर पैसे लौटा दो। सोच ले 25,000। क्या करना सत्यवादी, हमने वो स्वामी के प्रवचन के लिए 50 भक्त भेजे थे ना, उसका पेमेंट आया नहीं? अभी तक नहीं आया। ठीक है, फिर से पेमेंट मांगो वरना अंडे फेंकने वाले। मैडम तुम्हारी पेमेंट वापस ले लो। समझिए ना सर, सर प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। हे, जाइए जाइए, प्लीज जाइए जाइए। अरे जाओ भाई, एक रुक, सुनिए। कहाँ जा रही हो? हाय संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मेरा ऑफिस है, बोलो क्या चाहिए? मेरा एक फ्रेंड है मैटी, उसे टीना नाम की लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन टीना के घर वालों ने उसे घर के अंदर बंद करके रखा है। बेचारी। अगर तुम टीना के घर के सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाओगे तो सब लोग बाहर आ जाएंगे और मैं घर के अंदर जाकर उसे छुड़ा लूंगी। तुम अकेले कैसे करोगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो स्वीट, एडवांस दे रही थी। मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, प्यार के लिए कर रहा। पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हल्ला कौन करेगा? वो मेरे मामा करेंगे ना। मामा हेल्प करोगे ना? क्या बात कर रहे हो, हम ऐसे जानलेवा काम थोड़ी करते हैं। अरे प्यार के लिए हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। यार तेरा, जान भी तेरी, उसमें मेरी जान क्यों खतरे में डाली? सर कंटिन्यू। क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारे बेटे ने सबला नारी को प्यार के झूठे जाल में फंसाया और फिर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। इसे रिपीट करोगे क्या? किसने किया इसमें इतना अत्याचार? अचार बेचने आए हो? अचार क्या सुनता है क्या? अरे रुको रुको, मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ। अरे विनोद, उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। जल्दी बुला। अरे वाह, चलो चलते। माया तुम्हारी रिंग गिर गई। थैंक गॉड, ये मैडी की रिंग है। ये रिंग देखने के बाद ही टीना तुम्हारे साथ बाहर आएगी। इसे तुम रख लो। क्या हुआ भैया, कौन है ये लोग? अचार बेचने आए हैं। अनार? अनार नहीं, अत्याचार। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग? शायद छोटू ने मंगवाया होगा। अरे सुरेश, नो साउंड, मुंह बंद रखो। ओके कंट्रोल।
इसी ने मंगवाया होगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? भांजे, एड्रेस तो सही था ना? माया, एड्रेस यही है ना? मैटी ने यही एड्रेस दिया था। मामा, एड्रेस यही है। आप बस उन्हें उलझाए रखो। क्या उलझाए रखे भांजे? इन भैरों की टोली में हम उलझे पड़े हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। चुप करो, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? यहाँ अपना रिसेशन चल रहा है और ये डोनेशन मांग रहे हैं। डोनेशन नहीं, ये जानने आए कि इसे प्रेग्नेंट किसने किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सीधे साधे ब्रह्मचारियों को ब्लैकमेल कर रहे हो? लगता है इसका रिसीवर काम कर रहा है। तुम्हारे घर में कोई जवान आदमी नहीं है क्या? मेरी बड़ी बहन है। तुमसे बड़ी? टीना कहाँ मिलेगी? बेटा, क्या तुझे मैडी ने भेजा है? ओ, आपको सब पता है तो बताइए आपकी पोती टीना कहाँ है? मैं ही टीना। आप टीना है? I love you, मैडी। तुझे समझ आया टीना कौन है? समझ गया। फोन काटो और अपना काम करो। टीना, माया, चलिए जल्दी से निकलते हैं। अभी चलते हैं। आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरे दांतों का सेट। गहनों का सेट लेकर भागते हुए तो सुना है, लेकिन दांतों का सेट लेकर कौन भागता है भला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अरमान तो देखो। उनका मजाक मत उड़ाइए। तेरी रिश्तेदार नहीं है तो बात क्यों चुभी? उसकी भी एक वजह है। चली पीछे बैठ। क्या? इसके पीछे? मैडी के अलावा मुझे कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप पीछे बैठिए, मैं बीच में बैठती हूँ। ठीक से बैठिए। हमारे पापा ने भी कभी हमारी मम्मी को हाथ नहीं लगाया। ये घटना 10 तारीख को 10 बजे दास बाबू रोड पर हुई ना? हाँ सर, आपको कैसे पता? मैं सारी कमजोर कड़ियां जोड़ पा रहा हूं। सर कंटिन्यू। भले ही शादी थोड़ी देर से हुई, पर इनकी किस्मत में था तो होनी थी। सच में किस्मत ही है। देखो ना, किस्मत से हम भी रोज मिल रहे हैं। कहीं ये किस्मत का कोई प्लान तो नहीं है? तुम्हें क्या लगता है माया? मैं क्या कह सकती हूँ? माया, तुमने कुछ बताया नहीं। क्या बताना है? एड्रेस या फोन नंबर? किसके लिए? दोबारा मिलने के लिए। किस्मत अपना काम कर रही है ना, जब वो अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी तब मीटिंग हो जाएगी। सुनो तो, उसका बैग तो काफी देख लिया, अब फ्लैशबैक देखते हैं। क्या कर रहा है? हेलो, व्हाट्सएप पर सेल्फी पे तुमने अपना लवर देख लिया? आधे घंटे में अगर तुम यहाँ नहीं पहुंची तो उस पे कफन का कवर चढ़ जाएगा। क्या यार, कौन किसका लवर है? किसको फोन किया तुमने? और कौन होगा, मैं माया से बात कर रहा था। मुझे बचाने के लिए माया क्यों आएगी? लड़कियों के लिए लवर इंचार्ज और सेल फोन का रिचार्ज बहुत जरूरी है। बात में तो लॉजिक है, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं माया का लवर हूँ? तुम्हारे और माया के बीच में पक रही खिचड़ी को हम सूंघ चुके थे, इसीलिए हमने तुम्हें किडनैप करने का फैसला किया। वो अब पहुंचती होगी। क्या वो सच में है? तो क्या वो आई थी? हाँ जल्दी भी गुड़ कहीं पड़ा हो, लेकिन मक्खी उसे ढूंढते हुए आ ही जाती है। देख वो भी आ गई, जाओ उठा के ला उसे। बोला ना आपको नहीं मारना है मुझे। पर क्यों?
मैंने कहा था ना कि किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ खास सोच कर आपको नहीं मारना है। सुनो, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? अन्ना, आपकी वजह से मैं अपने प्यार को हासिल कर पाया। अच्छा यही होगा कि फैसला बदलने से पहले आप मत बदलो, आ जाओ। ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? कोई फैमिली प्रॉब्लम है क्या? शायद टीना के भाई के आदमी हो। पुलिस में इनकी कंप्लेन कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगले हफ्ते ही मुझे घर जाना है। घर पर पता चला ना तो मुझे एग्जाम्स भी नहीं देने देंगे। अच्छा, तुमने गुंडों को बाद में तो धोया ही, तो सुक्कड़ की धुलाई करने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? उसने भी यही सवाल पूछा था। किडनैप होते वक्त ही तुमने उनकी धुलाई क्यों नहीं की? तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मुझसे प्यार करती हो? इसीलिए तो मुझे बचाने आ गई। ऐसी बात नहीं है, कोई और भी होता ना तो भी मैं बचाने आ जाती। माया, किस्मत को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी यही चाहती है। सच में? कल संतला होटल आ जाओ, किस्मत क्या चाहती है हम वहीं देख लेंगे। प्यार का इकरार होने से पहले ही होटल में बुला लिया, लड़की तो काफी तेज निकली। अरे नहीं, आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो कैसा कुछ है? हाँ जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। माया बताओ ना, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने बार बार कहा था ना कि किस्मत हमें मिलवाना चाहती है, आज फैसला कर लेते हैं। फैसला करना है कैसे? इस होटल में कुल मिलाकर 29 फ्लोर्स हैं। हम दोनों एक ही वक्त में अलग अलग लिफ्ट्स में एक साथ जाएंगे, फिर तुम किसी फ्लोर का बटन दबाना और मैं भी वही करूँगी। और अगर हम दोनों ने एक ही फ्लोर चुना तो समझो कि किस्मत भी यही चाहती थी कि हम मिले, इसलिए ऐसा हुआ। ये क्या तरीका है? तुम तो यही कहते हो ना कि किस्मत जो चाहती है वही करवाती है, तो चलो अब लिफ्ट में। सुनो सुनो, गलती से अलग फ्लोर पर उतर गए तो क्या होगा? किस्मत, शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी मीटिंग हो, इसलिए गेम शुरू करने से पहले हम दोनों साथ में कॉफी पी सकते हैं। ब्रेक लगा, अभी तो उसने प्यार का खेल खेलना शुरू किया था, तो तुमने कॉफी पे चर्चा करना क्यों चाहा? बताता हूँ ना सर। जो हर बार किस्मत तेरा ही साथ देती है। इस बार मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे दिमाग ने दिमाग दिया। ने? हाँ, मेरे दोस्तों ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता लगा लिया कि माया ने लिफ्ट में कौन से फ्लोर का बटन दबाया था। इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, इसीलिए हमने कॉफी पी। कुछ तो मिसिंग। नहीं तो जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो बीच में कुछ तो हुआ होगा। हाँ याद आया, हम दोनों के बीच में एक टेबल को मैंने जोर से लात मारी और खिड़की के पास। हाँ।
पटाखे जला के शहर ने हमारे प्यार का जश्न मनाया। उस दिन पटाखे नहीं जल रहे थे, पुलिस स्टेशन जल रहा था। सर कंटिन्यू। उसके बाद तो तीन सौ छह सौ पाँच सौ कौन डैडी? क्या बात है, ये मुझे डैडी क्यों कह रही है? ये मेरे हस्बैंड हैं, एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। इनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी है, इसीलिए आपको डैडी कह रही है। सॉरी, डोंट बी, इट्स ओके। रक्षा चुप हो जाओ, डांटिए मत, छोटी सी बच्ची ही तो है। लो बेटा। थैंक यू डैडी। ओके। आपको बड़ी तकलीफ हुई ना? अरे इसमें तकलीफ क्या है? ए, क्या कर रहा है यार? सॉरी गलती से लग गया। इट्स ओके। लगता है पैर में मोच आ गई। आराम से, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उसकी जरूरत नहीं, आई विल मैनेज। अरे पकड़िए हाथ, मैं छोड़ देता हूँ। आपसे मिलके अच्छा तो लगा, लेकिन दिल में डर भी है। कैसा डर? एक्चुअली उनको भुलाने के लिए ही हम इस शहर में आए थे। अब आपको जो देख लिया, रक्षा चैन से नहीं बैठेगी। देखिए मेरा ऑफिस यही नजदीक में है, जब चाहे आ जाइए। डैडी आप नहीं आएंगे? डैडी बाद में आ जाएंगे। बाय बाय बेटा। बाय। बच्ची बड़ी क्यूट है ना? हाँ, बहुत ही क्यूट है ना? सिर्फ एक ही बेटी है। हाँ जी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, ये चीत लाया अब तक, और कितनी लड़कियों को धोखा दे चुके हो। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। उसे जानते नहीं हो फिर भी लड़की ने हाथ पकड़ा, उसे जानते नहीं हो फिर भी बच्ची ने डैडी कहा, उसे जानते नहीं हो फिर भी उसके घर जा रहे हो। मुझे बोलने दोगी या नहीं? पहले उसे बोलने दो, फिर तुम बोलना। किसे? आइए मैडम, मेरे सच बताइए। हे, तुम सुधरोगे नहीं ना? और तुम जैसे का कसूर है, हैंडसम लड़का देखा नहीं कि जो? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? छी, एक औरत पर हाथ उठाते हो, कैसे मरता तुम? मैंने तुम्हारे लिए उसे मारा था। किसी और लड़की के लिए अपनी बीवी पे हाथ उठाओगे? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पंडित बनने के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील की डिग्री चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी डिग्री है जिससे तुम जोड़ियां तोड़ते हो? पंडित रिश्ते जोड़ने का काम करता है और मैं तोड़ने का? दो चार शब्दों में मैं नहीं समझता, पूरा डिटेल में तो सुनो। इनमें फाइट करवाने के लिए मुझे फ्लाइट से यहां बुलाया, यहां पहुंचते ही आधे घंटे में इनका ब्रेकअप करवा दिया। हां ठीक है, इतना बोलने के लिए अमिताभ की तरह झुक क्यों रहा है? मैं तुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा, बस एक ही काम है, माया के साथ मेरी सेटिंग करा। ओनली कटिंग। ठीक है, शेविंग के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। हेलो, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है, अगर ऐसी पर्सनालिटी चाहिए तो मेरे पास आओ। अरे हीरो के डायलॉग मारने से कोई हीरो नहीं बन जाता, चल निकल। वो लड़की शहर छोड़कर जा चुकी होगी, हमें भी चलना चाहिए भांजी। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए ना? हमने उसे एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सब जगह ढूंढा, वो तुझे भूल चुकी है, तू भी उसे भूल जा। नहीं भूल सकता मामा। मामी 10-10 मिनट में फोन कर रही है, कहती है कि अगर मैं 11 बजे तक नहीं पहुंचा तो मेरे खाने में जहर डाल देगी, क्यों मुझे मरवाना चाहता है? रुको मामा, एक ड्रिंक खत्म करने दो फिर चलेंगे। मामा, मामा, इसने भी धोखा दे दिया। हाय, तुम भी मेरी तरह फेक बनाते हो। अरे कहाँ जा रहे हो यार, तुम तो मेरे पास बैठो ना यार, तुम भी लव के एग्जाम में फेल हो गए क्या? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, किसी कुत्ते ने आकर मेरे किस्मत का कनेक्शन काट दिया, वो मेरे हाथ लग जाए ना तो छोड़ूंगा नहीं। हे, कहाँ जा रहे हो बॉस, थोड़ा बैठो ना यार मेरे पास। तुम तो धोखा नहीं दोगे ना? पहले माया चली गई, फिर मामा चले गए, लेकिन तुम नहीं गए, ये होता है असली फ्रेंड। हेलो बॉस, हेलो हेलो बॉस, हेलो। तुम इसके दोस्त हो? मैं तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ, ये मुझे एक बार में मिले। माँ बस करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर यहाँ लेकर आई, एक ऐसे आदमी से दूर जिसने हम दोनों को धोखा दिया था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश किया। मेरी बात तो सुन। चुप रहो तुम, मैंने दिन रात मेहनत करके अकेले तुम्हें पाला, उसका तुम ये सिला दे रहे हो? मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे रही हूँ, क्या ये है तुम्हारे संस्कार? आज मैं फिर से हार गई बेटा। तुम्हारा भाई जो उनके पास है वो अब तक डॉक्टर या कलेक्टर बन गया होगा, मैं तुम्हारे पापा को भुला चुकी थी, पर आज तुमने मुझे फिर से उनकी याद दिला दी। माँ, I'm sorry माँ, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा।
मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? जरूर करूंगा। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को देखना है। उस वक्त मैं गुस्से में थी जब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और पापा से दूर यहाँ ले आई। तुम्हें भी अपने पापा से मिलना चाहिए बेटा। मेरा उनसे मिलना जरूरी नहीं है, पर आपको भाई से मिलाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बताइए कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पापा कोविलूर के बड़े जमींदार हैं। सुना है किसी बात से गुस्सा होकर आजकल मदुराई में रह रहे हैं। मदुराई? तुम्हारे पापा जहाँ भी रहते होंगे शान से रहते होंगे। वो बहुत परोपकारी हैं। वहाँ जाकर किसी से भी अरविंद पूछोगे तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहाँ जाता हूँ। अरे मैं भी कल वहीं जा रहा हूँ, दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। पापा से पहली बार मिलने वाला हूँ, उनके लिए क्या लेकर जाऊँ? अरे वो बाद में सोचेंगे, क्या पता वो हॉस्पिटल में हो तो फिर उनके लिए फल और फूल लेके जाना होगा ना। पहले उन्हें ढूंढ लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे क्या देना है। चूना दे बाबा के लिए प्रसाद देना। ढोंगी बाबा पे पैसे क्यों लुटा रहे हो? तुम्हारी क्यों सुलग रही है? तुम्हारा धंधा इन्हीं से चल रहा है। बस लाओ प्रसाद दो। चूना दे बाबा तो महान है। महान तो गधे टाइप के भक्त होते हैं। इस शहर में पान वाले इतना चूना नहीं लगाते जितना कि ये बाबा लोग लगाते हैं। कौन है ये बाबा? होगा कोई फ्रॉड। लोग इन्हें चूना देव बाबा बोलते हैं और कहते हैं कि ये जो कहते हैं वो सच हो जाता है। ए बहुत हो गया। लो देखा, बाबा के खिलाफ ये लोग कुछ भी सुन नहीं सकते। मौसम विभाग वाले सैटेलाइट लगा के भी गलत जानकारी देते हैं, तो इस ढोंगी की बातें सही कैसे हो सकती है? अगर वाकई में उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, तो उस डफर को नौकरी दिला के दिखाएं जो 10 स्टैंडर्ड में 10 बार और 11 स्टैंडर्ड में 11 बार फेल हुआ है। कौन है वो बदकिस्मत? वो मैं हूँ। तो क्या ये क्या? सर सिद्ध पुरुष बुला रहे हैं। सिद्ध पुरुष? अरे गलत बोल रहे हो, पुरुष थोड़ी है, महापुरुष है। देखो कैसे भांडा फोड़ दो। माफ करना स्वामी जी। ए, जल्दी से मुझे भी प्रसाद देना। ए, क्यों नाटक कर रहा है? मेरी बुझी हुई किस्मत जल गई तो तेरी क्यों जल रही है? क्या हुआ? हैरान हो कि बाबा के बारे में मेरे विचार बदल कैसे गए। बाबा ने चमत्कार जो किया। मैंने उनसे कहा मुझे नौकरी की जरूरत है, तुरंत अभी विजय कालिया का फोन आ गया, कहता है अकाउंटेंट की जरूरत है। धन्य हो चूना देव बाबा, मेरी तो सच में किस्मत खुल गई है। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन लगता है मुझे बुला रहे। बुला रहे तो जाओ ना, सोई हुई किस्मत का अलार्म क्लॉक शायद बच जाएगा। क्या तुम अपने पिता को ढूंढने आए हो? अरे स्वामी जी आपको कैसे पता? उसने मुझे बताया। किसने? मेरे पिता ने। जाओ उस तालाब के पानी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी मार कर आओ, तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। अब जाओ, तुम भी जाओ। स्वामी इसे पानी में जाने की क्या जरूरत है? अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। दोस्तों स्वामी जी जो कह रहे हैं करो, सोचो मत, जाओ जाओ। स्वामी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एक बार डुबकी लगा के आ जाते हैं ना। स्वामी जी हमारा ये सामान आशीर्वाद दीजिए। बेटा इस तुच्छ चीज की चिंता मत करो। हाँ। इसको हमारे पास छोड़ दो, इसकी रखवाली हम करेंगे, तुम जाओ। ठीक है स्वामी जी। हे स्वामी जी कहाँ गए? सुनिए चूना देव बाबा कहाँ गए? हमारे बैग भी नहीं है। चूना देव बाबा नाम ऐसे नहीं है, लोगों को चूना लगाता है। वो आदमी जिसे नौकरी मिली थी? दोनों मिले हुए हैं, वो उसका बेटा है। क्या यार ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहावत है ना, समझदार को इशारा काफी है। मैं कब से इशारा कर रहा था। अरे यार पॉकेट में एक ढेला नहीं बचा है, वो मेरे सारे पैसे ले गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं अपने पापा का नाम लूंगा ना तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे पापा अरविंद यहाँ के राजा हैं। तुम अरविंद के बेटे हो क्या? हाँ आप उन्हें जानते हैं क्या? तुम्हारा सामान जो लेके भाग गया वही तो अरविंद है। लेकिन माँ ने कहा वो करोड़पति जमींदार है। करोड़पति जमींदार नहीं है, जमीन पे सोने वाला रोड़पति है। तुम्हारे पैसों से बियर बार में ऐश कर रहा होगा। पिछले दो दिनों से लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा यह सोचा भी नहीं था। अफसोस यह है कि तुम्हारी माँ अपने दूसरे बेटे से तो मिलना चाहती थी,
लेकिन अपने पति से नहीं मिलना चाहती। मेरी माँ तो क्या, कोई भी औरत धोखेबाज पति से नफरत ही करेगी ना। ए! क्या धोखा दिया मैंने? क्यों? शादी से पहले आपका एक लड़की के साथ चक्कर था, ये बात माँ से छुपाकर आपने उनसे शादी कर ली। किसने किसे धोखा दिया ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। बिना किसी गलती के मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई नहीं की, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बचपन में ही अनाथ हो गया था, मेरे पिताजी के दोस्त ने ही मुझे अपने बेटे की तरह पाला। आप इस बारे में लेके लक्ष्य भी क्यों नहीं खड़े होना चाहते? हम कुछ नहीं जानते, आप ही हमारे एमएलए होंगे। सारी जिंदगी क्या मैं ही एमएलए बनता रहूंगा? मेरे स्वर्गीय बिजनेस पार्टनर के बेटे को भी तो मौका दो। अंकल मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं एमएलए वगैरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। मालिक आप और अरुण भैया अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो टिकट मुझे दे दीजिए ना, मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ। पशुपति, परिवार के साथ रहने और परिवार का हिस्सा होने में फर्क है। नौकर को अपनी औकात भूलकर मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपका वफादार हूँ मालिक। वफादार तो कुत्ता भी होता है, मगर उसकी जगह घर के बाहर होती है, उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता है। इस घर की गद्दी पर सिर्फ इस घर का बेटा ही बैठेगा, आखिर ये हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे गलत मत समझिए मालिक, अगर मैंने अरविंद का प्यार लक्ष्मी को यहाँ से भगाया नहीं होता और अरविंद से अगर झूठ नहीं बोला होता कि वो मर चुके हैं तो आपकी इज्जत का क्या होगा? ये क्या बोल रहा है तू? लक्ष्मी जिंदा है? अरे जान अंकल, आप भी चुप पड़िए। ए, सच सच बोल, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरविंद जी, मैं आपको सच बताता हूँ, आपके अंकल ने मुझे लक्ष्मी को इस शहर से दूर ले जाने के लिए कहा था, ताकि उसकी मौत की झूठी खबर सुनकर आप तुलसी से शादी कर ले। मेरी लक्ष्मी कहाँ है पता? मुझे नहीं पता। अंकल क्या उसने जो कहा सच है? हाँ ये सच है, मैंने बस अपने खानदान की इज्जत की। बाढ़ में गई आपके खानदान की इज्जत। उस वक्त लक्ष्मी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा था, इससे तो अच्छा होता आप मुझे अनाथ ही रहने देते। ये सच जाने बगैर मैंने तुलसी के साथ घर बसाया और अब उससे दो बच्चे भी हैं। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। हट जाइए, चलो यहां से जाओ। तुलसी, तुलसी, हे भगवान, ये क्या हो गया? आवाज़ को बुलाओ। ये क्या किया आपने? आपने गुस्से में आकर मालिक को मार दिया। सजा काट के रिहा होने के बाद मैंने हर जगह तुम्हारी माँ की तलाश की, पर वो कहीं नहीं मिली। लक्ष्मी को भी ढूंढा, हमारे बेटे को जन्म देते ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। फिर मैं शक्ति को लेकर यहाँ आ गया। पर अब आप अकेले नहीं हैं, मैं और माँ आपके साथ हैं। मेरे साथ अपने घर चलिए। ये नहीं हो सकता, जिस तरह तुमसे मिला उसी तरह मैं लक्ष्मी के बेटे से भी मिलना चाहता हूँ। अगर वो भी मिल जाए मुझे तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ए, कहाँ जा रहे हो? मैं चला अपने घर। नहीं नहीं पागल हो क्या, चलो। ए, अरे कहाँ ना, चलो। ए, मैं नहीं आऊंगा। चलो पैक बनाओ। ये सब क्या हो रहा है? आप बस एंजॉय करो। तू बनाना ग्लास उठा, सब एक साथ चीयर्स करेंगे। किस बात की खुशी मना रहे हो? लक्ष्मी का बेटा मिल गया ना, चीयर्स। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है ये? कहाँ है? आपके सामने। ये लक्ष्मी का बेटा है? मुझे भी शक था, शक दूर करने के लिए मैंने इससे पैक बनवाया। और पापा, पहले लोग शराब डालते हैं फिर पानी मिलाते हैं ना? हाँ। लेकिन आप पैक कैसे बनाते हैं? पहले ग्लास में पानी डालते हैं फिर शराब मिक्स करते हैं। हमारी जीन्स एक जैसी है, इसीलिए हमने भी पैक वैसे ही बनाया और शक्ति ने भी वैसे ही पैक बनाया। तुम तो मेरे जैसा ही पैक बनाते हो। तभी मुझे लगा कि शायद ये भी मेरा ही भाई है। फिल्मों में गाना गाकर भाइयों को मिलते देखा था, शराब पी के भाइयों को मिलते पहली बार देखा है। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब जाने अनजाने में हो गया। ये क्या बेटा, ये चाकू किस लिए रखा है? आपको मारने के लिए। संजय की माँ की बातों से मैं समझ गया था कि आप ही मेरे पिता हैं। माँ को धोखा देने वाले आदमी को मारने के इरादे से ही मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सच्चाई क्या है। मुझे मारने आए थे? ए, तू तो पागल है। मुझे भूल गए। पापा, अंकल की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा तो आपके पापा का था ना? हाँ। जेल जाने के बाद उस जायदाद का क्या हुआ? सब अंकल की बेटियों के नाम कर दिया। अंकल की बेटियां हैं? तीन बेटियां हैं,
अंकल को बेटी की चाहत थी, इसलिए मन्नत मांगी थी कि बेटी होगी तो मेरा मुंडन कराएंगे। फिर क्या था, मन्नत पे मन्नत पूरी होती गई और बेटियों की हैट्रिक लग गई और मेरा मुंडन होता रहा। इस बात की खुन्नस निकालने के लिए मैं उनको चिढ़ाया करता था और खूब टांग खींचा करता था, इसी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी। फिर मैंने एक फिल्म देखी, सिस्टर इंडिया, उसमें भाई बहन के प्यार को दिखाया गया था। फिल्म में उस प्रेम को देखकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से मैंने उन्हें बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। उनके मुझसे दूर हो जाने के डर से उनकी शादी 3 ऐसे गरीब लड़कों से करवाई जो घर जमाई बनने को तैयार थे। मेरी बहनों को ये बात जरा नहीं भाई। उसके ऊपर जब अंकल की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया तो उन तीनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मैंने पूरी जायदाद उनके नाम कर दी और इसे लेकर यहाँ आ गया। लेकिन अब तुम तीनों जो मुझे मिल गए हो, तो मुझे लगता है कि आवेश में लिया गया वो फैसला बिल्कुल गलत था। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे क्यों भुगते? तुम लोगों ने आखिर क्या गलती की? इसीलिए मैंने अब एक फैसला लिया है। समझ गया पापा, आप उन तीनों आंटीज को घर से एग्जिट करवाएंगे और उन्हें सीना तान के बताएंगे कि आपको अपने तीनों अनमोल रतन बेटे मिल चुके हैं और उस घर पे हक नहीं, नहीं, नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम चारों उन सबके साथ वन बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहे। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, तुम्हारी तीनों आंटियों को 3 बेटियां हैं। अब यानी कुल मिलाकर 9 बेटियां। अंकल लोग को और कोई काम नहीं था क्या? टोटल 3 बेटियां हैं, समझे ना? उन तीनों लड़कियों से अगर तुम तीनों शादी कर लो तो मेरा हमेशा का सपना पूरा हो जाएगा। अरे आप पापा हैं या मैरिज ब्यूरो के एजेंट? बेटा अरे आखिर इस समय हर्जी क्या है? वही तो बना बनाया रिश्ता मिल रहा है तो तुझे क्या टेंशन? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, किसी और से शादी कैसे करूँ? मैंने तो किया ना। मेरी कहानी अलग है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अरविंद के बेटे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे ना। हम तीनों भाई उन तीनों लड़कियों से प्यार करेंगे और शादी कर लेंगे, ठीक है ना? तुम दोनों तो हैंडसम लगते हो, तुम दोनों की गोटी तो फिट हो जाएगी, लेकिन मुझे तीसरे गोटिए का क्या? अरे यही सब सोचकर तो मैंने एक प्लान बनाया है। बात सुनो, कल इस शहर के सबसे बड़े मंदिर में पहली आरती देकर तुम्हारी आंटियां उत्सव शुरू करेंगी। हर साल ये तीनों अपनी बेटियों के साथ उस मंदिर में जाती है। तुम लोग वहाँ जाओ, उन लड़कियों का किडनैप करना और फिर उनसे शादी कर लेना। हाँ सही कह दिया, बुरे इंसान हो, ऐसा करना तो पाप होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अरे तू इडियट है, बिछड़े हुए लोगों को मिलाना कोई पाप नहीं होता। तुम तीनों वहां जाओगे और उन तीनों से शादी करोगे, वादा करो। हाँ ओके, डबल ओके। चलो सोच क्या रहे हो? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है तो मेकअप अच्छे से कर वरना पकड़े जाएंगे। मेकअप की नहीं यार, किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। भैया मेरी शादी होने का कोई चांस ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से पापा ने अंधेरे में उम्मीद का नाइट लैंप जलाया। प्लीज अब ऐसी बात करके उस नाइट लैंप को बुझाओ मत। तुम चाहे जो भी कहो, किसी लड़की से जबरदस्ती शादी करना बिल्कुल गलत बात है। तू किडनैपिंग का काम कर, शादी का काम हम कर लेंगे। ए, तीनों लड़कियों को उठाने की क्या जरूरत है? 2 साबुन खरीदने पर 1 साबुन फ्री मिलता है ना, उसी तरह 2 लड़कियों को उठाने पर 1 लड़की फ्री मिलती है। 3 रहेंगी तो ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। बेटा मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ ना? वो देखो पापा। हाँ दिख गया। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? वो तीनों वहीं खड़ी है। कहाँ खड़ी है? कहाँ है वो? वो जो हरी साड़ी पहनकर खड़ी हुई है ना, वो सबसे बड़ी वाली है। हाँ पापा दिख गए। पापा रो क्यों रहे हो? बचपन में उसकी गुड़िया तोड़ दी थी, वही सोच के भावुक हो गया। अरे बाद में नई वाली दिला देना, बताओ दूसरी वाली का? वो जो ब्लू साड़ी पहन के खड़ी हुई है ना, वो छोटी वाली है। और वो जो पिंक साड़ी पहने हुए है ना, वो बीच वाली है। कहाँ है कहाँ? हेलो 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 पापा, पता चल गया ना कौन है? अब इसकी जरूरत है। चलो गिर गए, इन्हें छोड़कर भाग चलते हैं।
संभाल लेता हूँ। संजय तो संभाल लेना ही नहीं, चलो चलो निकलो। मिनरल वाटर है क्या? ये भगवान के लिए था। हाँ तो इंसान भगवान का रूप है, चल जा। पता नहीं क्यों ऊपर चढ़वा रहा है मुझे। ब्रदर क्या हुआ? संभाल के पकड़ना, कहीं ये मेरी वाली ना निकले। गर्स खेगा, पहले बता नहीं सकते थे क्या? अरे बताने को टाइम कहाँ है, चलो बता। मंगलसूत्र डाल दो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे उन्हें बाहर तो निकालो, ये तीनों अंडरवेयर में देखेंगी तो डर जाएंगी। तो कह दूंगा अंडरवेयर का ऐड करने वाला मॉडल हूं। जल्दी करो, इतना सन्नाटा क्यों है? पापा है? हमारी बीबियां तो खूबसूरत हैं। अरे क्यों नहीं होंगी, इनकी माए जो इतनी खूबसूरत है। चलो तो देखने दो मुझे। क्या हुआ पापा? अरे बाप रे बाप, आंटी की बेटियों को उठाने के बोला था और तू आंटी को उठा लाए। मुझे तो चलेगी। पापा आप ही ने तो कहा था ना, ग्रीन वाली, पिंक वाली और ब्लू वाली। अरे वो तो तुम्हारी आंटियां थी, खामा खा का रायता फैला दिया तुम लोगों ने। अरे रे रे रे, होश आ रहा है उनको, इसके पहले कि वो देख ले भागो यहाँ से। और पानी में डूब मर रहे हैं। लड़कियों को उनके गांव से किडनैप करना होगा, उम्मीद है कोई मुसीबत। मुसीबत एसएससी के पेपर की तरह हमारा प्लान लीक हो गया। तुम कितनों को संभाल सकते हैं, पतले वाले तीन या फिर सन टाइप के दो? और तुम? मैं खुद को संभाल लूं, वही बड़ी बात होगी भाई।
बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। वो जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। अगले हफ्ते मैं इलेक्शन का फॉर्म भर रहा हूँ, इलेक्शन जीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, एमएलए तो आप ही बनेंगे, पिछले 20 सालों से आप ही तो एमएलए बन रहे हैं। पापा, 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 ये किसने किया? तेरा बेटा जिंदा लटक रहा है, आइंदा ऐसी हरकत की तो इसकी लाश लटकेगी। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने हमें किडनैप करने की कोशिश की। मैंने तुमको किडनैप करवाया? बहुत खराब एक्टर हो तुम, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे आदमियों को अंडरवेयर में भागते हुए देखा। ए, तेरी बात कर रही है। जानती है एमएलए के बेटे को हाथ लगाया तूने? एमएलए होगा तू अपने घर में, इस गाँव के लिए तो तू आज भी हमारा पुराना नौकर ही है। शायद इसी वजह से तू अब तक यहाँ जिंदा खड़ी है। मुझसे पंगा मत लेना, अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो तेरी सात पुश्ते मेरी नौकर बनेगी। एमएलए होने का घमंड है ना तुझे, तू एमएलए ही ना रहा तो मेरे खिलाफ लड़ेगा कौन? मैं लड़ूंगी, मैं चुनाव लड़ूंगी भी और तुझे हराऊंगी भी, पूरा शहर देखेगा। ये घर है या मैरिज हॉल? शादी के लिए इसी घर को बुक कर लेंगे। मैं भी कह रहा हूँ ये गलत है। ये तुम अचानक महापुरुषों जैसी बातें क्यों करने लगे हो? पहले दिन से ऐसा ही कह रहा हूँ, अब चलो। चल, चल। अरे वो आ गया, सो जाओ। मेरी वाली कैसी लगी? अच्छी लग रही है ना? ये भला तेरी वाली कैसे हुई? अरे सिक्स स्टैंडर्ड में रुकु नाम की एक लड़की से प्यार करता था, इसकी शक्ल उसी से मिलती है, मैंने बुक कर ली। ये वाली मेरी है। अच्छा इनमें से एक उंगली पकड़ो। हा? देखा तुमने गलत उंगली पकड़ी, वो मेरी है। माफ करना भाई, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, तुम्हें पहले वाली पसंद थी ना, तुम उसे रख लो, मैं इससे काम चला लूंगा। इतनी जल्दी फैसला कैसे बदल लिया? क्या है ना, रुकु से पहले फोर्थ स्टैंडर्ड में मुझे कुक्कू नाम की लड़की से प्यार था, वो मेरा सच्चा प्यार था, इसकी शक्ल उसकी जैसी है इसलिए मेरी हो गई। एक घुमा के दूंगा, कोई एक उंगली पकड़। जाने दो भाई, भाई में उंगली नहीं करते, ये तुम्हारी हुई। शेर बन जाएगा, हम शेर बन गए तो कुत्ता कुत्ता बन जाएगा, डॉग लॉजिक। और उसे डराया कैसे? उसकी आंखों में आग डाल के घूर। ये कैसे घूर रहा है? गुस्से से घूर, उसके साथ रोमांस थोड़ी ना करना है। इतना ठीक है, आंखें और बड़ी कर, और ज्यादा और खोल। और खोलूंगा तो आंखें बाहर गिर जाएंगी, आगे क्या करूं? उसके पास जाऊं क्या? मम्मी बचाओ। ए, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। मर गया। ये क्या कर रहा है? जानवर तभी भागते हैं जब इंसान भागते हैं, मैं नहीं भागूंगा तो वो भी नहीं भागेगा, ये एनिमल लॉजिक है। ये तो मुझ पर ही चढ़ गया। हाँ? इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अबे उठ जा। कैसे उठो, ये दिखता नहीं क्या? लॉजिक का इस्तेमाल कर। ए, ये वक्त है कुत्तों के साथ खेलने का। इसके साथ नहीं खेल रहा हूँ, ये मेरे साथ खेल रहा है। चला क्या हुआ? अबे क्या हुआ? इसने क्या भूत देख लिया? ए, घर में चोर घुसाया, पकड़ो ने। ए, चल चल जल्दी चल। दीवार बहुत ऊंची है। अबे तो झुकना। अरे झुकूंगा। अरे वहां पर कैसे? पकड़ो ने। अबे टाइम नहीं है, जल्दी कर। चल चल चल। ए, पकड़ी चोर ने। और भागा नहीं जा रहा, घर खाली दिख रहा है। बोलो कौन हो सकते हैं? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, यही कहीं होंगे। उन्होंने क्या अजीब जगह है, कुत्ते से बचे तो भूत पीछे पड़ गए, जो कमी थी वो हाथ में खंजर लिए गांव वालों ने पूरी कर दी है। मेरी पैंट भी ले गए। पैर कट जाए तो शादी लायक भी नहीं बचेंगे। हाथ पैर कट जाए तो भी चलेगा, बस सर नहीं कटना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब चाहे जो हो जाए,
हम इन लड़कियों से ही शादी करेंगे, मैंने तय कर लिया है। तू तो इस शादी के खिलाफ था, अचानक से बदल कैसे गया? क्योंकि मैं उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी माया जिससे मैं ऊटी में मिला था। इन तीनों आंटीज में से एक की बेटी है, मुझे लगा वो मुझसे बिछड़ गई है, लेकिन हमारी मुलाकात फिर से हो गई किस्मत से। अब तो मुझे इससे शादी करनी ही होगी। इसे ये अचानक से क्या हो गया? वही हुआ जो जवानी में होता है। ए, 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 जल्दी उठो, उठो जल्दी। क्या हुआ? खुद ही आकर देख लो। पीछे से निकल चलते हैं। वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं। हम इन्हें बता देंगे कि हम चोर नहीं है बल्कि अरविंद के बेटे हैं। पागल हो क्या? आंटीज को पता चला तो निकलने का चांस भी चला जाएगा, फिर पापा के सपने को तुम लोग भूल जाओ। इनसे बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या जो पहले जाकर पिटेगा वो आवाज नहीं करेगा? अगर उन्हें लगा कि हमें दर्द हो रहा है तो वो एक्साइटमेंट में और मारेंगे, इसीलिए जब वो धुलाई करेंगे तो चुपचाप सह लेना। और लेसन टू, जिंदा बचे तो बता दूंगा, अब चलो कोई हथियार ढूंढो, उसी से बचाव करेंगे। हथियार? इस अंधेरे में क्या हाथ में आएगा, क्या मालूम। गुड मॉर्निंग सर, कल रात इस इलाके में चोर घुस आए थे, शायद इसीलिए आपको जल्दबाजी में यहाँ हेडक्वार्टर से भेजा गया होगा। अच्छा ये तो बताइए, हमारे एसपी साहब ठीक तो है ना? एसपी साहब बढ़िया बढ़िया। एसपी कौन है बे? अपने पापा और कौन, एक बार यहाँ पर नकली पुलिस वाले बनकर आए थे, पर आज उनका वो झूठ हमारे काम आएगा। पुलिस स्टेशन का ताला तोड़ा हुआ देख मैं समझ गया था कि पुलिस का रातों रात यहाँ तबादला हो गया है। आपको पिछली बार एसपी साहब के साथ देखा था, इसलिए देखते ही पहचान गया, इसीलिए पूरे गाँव को इकट्ठा करके मैं ही इन्हें यहाँ ले आया। बहुत समझदार, आपके रहते टीवी चैनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंदर देख वर्दी है कि नहीं। वैसे आप लोग हथियार लेकर यहाँ क्यों आए? काफी वक्त से बंद पड़ा था ना, इसीलिए झाड़ू वाड़ू सब साथ लाए। चलो देखते क्या हो, चलो काम पे लग जाओ। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। मैंने अभी अभी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में फोन किया था, वहाँ से पता चला इलेक्शन ड्यूटीज की वजह से स्टाफ की बहुत कमी है, इसलिए इलेक्शन खत्म होने तक कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। इलेक्शंस खत्म होने तक हम ही पुलिस वाले बन जाते हैं। पागल हो गया क्या? पकड़े गए तो थर्ड डिग्री लगेगी। सर सबसे पहले ये पकड़िए। ये किस लिए? मेरी यहाँ एक शराब की भट्टी है, इसलिए हर हफ्ते आपको हफ्ते पहुँचाने का जिम्मा मेरा। आपको बस इतना करना है कि मेरी भट्टी पर आकर आपने दर्शन नहीं लेने। लेकिन ये सुनिए तो, तुमने अभी कहा पकड़े जा सकते हैं, रिश्वत नहीं ली तो जरूर पकड़े जाएंगे। मैं तो 10 रुपए के लिए भी फ्रॉड कर सकता हूँ, ये तो 10,000 की बात है। पुलिस क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? पंडित जी ने 8 तारीख शपथ लगाई है, उसी दिन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। परफेक्ट, इस बार इलेक्शन तुम ही जीतोगे। Hey, 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 hey
इंस्पेक्टर संजय ऑन ड्यूटी। और वो सब इंस्पेक्टर कृष्णा। और मैं हूँ कांस्टेबल शांति। शुक्रिया इंस्पेक्टर। ये तो मेरा फर्ज था मैडम। ये उस पशुपति की चाल लगती है। पहले हमें किडनैप करवाया और अब हमें हमारे गांव में मारने की कोशिश कर रहा है। मैं कहती हूँ उसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। वो माफी के लायक है ही नहीं। आप उसे अरेस्ट कीजिए। रहने दो, उसे अरेस्ट मत करना। उसकी सजा इसी में है कि वो इलेक्शन में मुझसे हारी। सही है मैडम, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच। कभी वक्त मिले तो हमारे घर लंच पर आए। शुभ काम में देरी क्यों, कल ही आ जाएंगे। बात है, हमारे स्वागत में इतनी आओ भगत। ये अपने पिता के श्राद्ध की पूजा करा रहे हैं। कौन हो तुम लोग? वर्दी ने देखी पगली पुलिस। यहीं पर रुको, पूजा खत्म हो जाए फिर भोग मिलेगा। ये क्या, खड़े खड़े इज्जत का कचरा कर गई। पुलिस हूँ, कहीं भी पहुँच सकता हूँ। ये क्या नया ड्रामा है? बॉयफ्रेंड तो नहीं बन पाया, एटलीस्ट बॉडीगार्ड तो बनने दो। मम्मा! ए, तो मेरे आगे चलो। आप कहाँ चले गए थे? सुना है कल रात आपके घर में चोर घुस आए थे, मैं चेक कर रहा था सब कुछ ठीक है। मम्मा, ये कौन है? ये इस एरिया के नए पुलिस इंस्पेक्टर, इन्होंने ही हमें बचाया। आजकल चोरों पर भरोसा कर सकते हैं पर पुलिस पर बिल्कुल भी नहीं। इसे जाने को कहो। आ जाते मूड। इसकी बातों का बुरा मत मानना, बड़े नाजों से पाला है ना इसे, कुछ भी बोल देती है। इट्स ओके। दिखता नहीं क्या? दूर से तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखती है, लेकिन पास से ससुरी चौधरी का चांद लगती है। क्या? पास से देखना मतलब चोर के लिए सुराग ढूंढना। तुम कहाँ टाइम पास कर रहे हो, इन्हें ले जाकर घर दिखाओ। ठीक है, आइए। पहले उस तरफ चलें क्या? वहाँ भी जाएंगे, पहले इस तरफ चलिए। आप संयुक्ता मैडम को जैसे देख रहे थे, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। नौकर को अपनी हैसियत भूलनी नहीं चाहिए। सर, वो नौकर नहीं है, इस घर के दामाद है, वो संयुक्ता जी के पति। ओह सॉरी सर, बदतमीज नौकर, पहले क्यों नहीं बताया ये मालिक है। सर ऐसे जाहिलों को काम पर मत रखिए। सर मैं सविता मैडम का पति हूँ, इस घर का दामाद। आपको भी एक सॉरी सर, आप दोनों की शक्ल देखिए, बिल्कुल जमादार या ड्राइवर लगते हैं, तो कैसे पता चलेगा दामाद? शायद यही हमारी किस्मत है। इससे पहले दो आदमियों का इस घर पर राज चलता था, ससुर जी और उनके गोद लिए हुए बेटे का। ससुर जी की एक हादसे में मौत हो गई। और गोद लिया बेटा? वो जिंदा है लेकिन घर छोड़े हुए कई साल हो गए। बहुत अच्छा इंसान है, उसी ने हम तीनों की शादी अपनी तीनों बहनों से करवाई। उसी की वजह से अपनी पत्नियों की बदतमीजियां हम लोग चुपचाप सह रहे हैं। वो होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। कंप्लेन लिखवाइए उनके गुमशुदा होने की, हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ कर क्या करोगे, जानते हो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने स्वर्गीय पिता का श्राद्ध। ओ, और साथ ही अपने भाई अरविंद का भी श्राद्ध कर रहे हैं। गैर होकर भी आपको इतना बुरा लगा, हमारे बारे में सोचिए, वो तो हमारा सगा था।
आइए, ये इस घर के तीसरे दामाद हैं। भरी दोपहर ये सो क्यों रहे? सोने रहे, कोमा में, पिछले 2 सालों से कोमा में। आइए यहाँ आइए। ये लोग घर भर में क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारी माँ ने कहा इन्हें घर दिखाओ। मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। क्या आइडिया? पहरा देने के बहाने में यहीं रुक जाता हूँ। रात को जैसे ही चोर आएगा मैं उसे दबोच लूंगा और मेरी वाली मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। चोर कहाँ से लाओगे? तुम बनोगे। पागल हो क्या? मैं बनूंगा? तुमने गलती से पुलिस वाला बनाया, अब मेरी वजह से जानबूझकर चोर बनो। अब सुनो, ठीक 12 बजे एंट्री मार देना। पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा, फिर पूरा धोऊंगा। यहाँ तुम रफू चक्कर हुए, वहाँ मेरा और उसका चक्कर चालू हो जाएगा। सही है ना? 10 मिनट में तो एक्शन शुरू हो जाएगा, तब तक मैं जरा रोमांस का इंजन स्टार्ट करके आता हूँ। ये कैसा भाई है, आया है मुंह काला करके? ये भाभी को से घूर क्यों रहे हो? चलो चलो काम पर लगो। ए, 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 नहीं, एक जोर का देता हूँ। कहानी में डूस क्यों? अरे मुझे क्यों मार रहे? अरे इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? देखो कैरेक्टर में रहो, ये तो तुम्हारी सेटिंग में हेल्प नहीं करूंगा। मत करो, वो मुझे संभाल रहा है। मतलब मैं उसे संभाल रहा हूँ। एक मिनट, क्या कर रहा? मुझे भी देख, लाफा मार रहा है। मैं भाग जाऊंगा, बच्चे की जान लेगा, ह्यूमन राइट्स वाले को बुलाएगा। अरे अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, भाग रहा है। भागने दो साले को। तुम गलत टाइम पर नींद से जागी हो, अभी तक तो वो पिट रहा था। एक पुलिस वाले होकर रो रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं रो नहीं रहा हूँ, वो तो दिख ही रहा है। जाओ जाके पुलिस स्टेशन में बैठ के रो। अरे चल चल चल, एक सेकंड। हेलो, तुम सेटिंग करवाने आए थे या मेरी कब्रें खुदवाने आए थे? प्लान क्यों चेंज किया? मुझे तमारा क्यों? क्या बोल रहा है, हम तो अभी तक निकले भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मास्क में मैंने पहचाना नहीं? अबे क्या कह रहा है, हम अभी आ ही रहे हैं। कोई आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मंदिर की बाई तरफ की दीवार पर मिलना, वहीं से चढ़ के सुसाइड करूंगा। रिसर्च का फालूदा कर दिया। ए, ये पागल हो गया। चल चल। क्या रे, भूतों के डिलीवरी बॉय 10 मिनट पहले ही आ गया तू? चल अब आ गया तो मार दे मुझे, मार के मुझे भी भूत बना दे। अरे कहाँ जा रहा है? रुक। अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है? अरे मार दे मुझे, मुझे भी भूत बना दे। रुक। अरे रुक जा। ये तो कोमा वाले दामाद जी है। काली पैंट काली शर्ट कोमा के नाटक वाले, मार मार के मेरे पे फुल स्टॉप लगा दिया। ये आवाज कैसी? ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अरविंद के बेटे हैं। वैसे आपको भूत बनने की क्या जरूरत पड़ी? एक दिन बैंक गया तो पता चला किसी फ्रॉड ने हमारा बैलेंस ही सफाचट कर दिया। अपनी बीवी की 3rd degree इंटरोगेशन से बचने के लिए उस दिन जो मैं बेहोश हुआ आज तक नहीं उठ पाया हूँ। जब भी ये होश में आया पत्नी ने पैसों के बारे में ही पूछा, तब से ये परमानेंट कोमा में ही है। ओहो, लेटे लेटे बोर ना हो जाऊं इसलिए भूत बनकर रोज रात को खुली हवा में टहलने निकल आता हूं। भूत के डर से कोई भी 10 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता और इसी बहाने रोज रात हम तीनों मिल भी लेते हैं। आप लोगों की बनती क्यों नहीं? क्योंकि ये शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई, इसलिए वो आज तक हमसे नाराज है। हमारे पास उनसे दूर रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब तुम लोगों से क्या छुपाना, अपनी बीवियों के साथ एक ही कमरे में सोए हुए कई साल हो गए। अलग रहेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। पति या पिता होना पोस्ट नहीं है, रिश्ते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। हमारा केस एकदम होपलेस है। मैंने सोचा था मेरी तीनों आंटीज पापा के घर छोड़ने के बाद खुशी से रह रही होंगी। मैं पापा को परिवार से मिलवाना चाहता था, लेकिन आपकी हालत तो उनसे भी बुरी है। इंटरवल हो गया तो क्या हुआ, मोड़ तो अब आएगा। 5, 2, 6, 2 ये लो। ये लो। अकाउंट में तुम्हारी हेल्प कर दूं? किस लिए? हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे आना morning. हुआ? रेगुलरली आना जाना होगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। किसके बीच? पुलिस और पब्लिक के बीच। पिछले महीने टायर चेंज किए थे, बिल है क्या? ये रहे टायर के बिल, इसमें 6 नए टायर के बिल हैं। 6 टायर? स्टेपनी मिला के भी तो 5 ही होते हैं। अरे सिर्फ टायर के बिल में गड़बड़ नहीं है, ये बताओ हमारे घर में कितने नौकर हैं? हम दोनों को जोड़ के 26 नौकर हैं। और पगार लेने वाले कितने हैं? 24 हैं। लेकिन अकाउंट में 45 लोग हैं। देख, तुम क्या हम पे शक कर रहे हो? मैडम बिल देख के पेमेंट करती हैं, तुम बीच में मत पड़ो। हम मुफ्त की नहीं खाते, काम करते तो पगार मिलती है। तुम लोगों की तरह बीवी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हम। तमीज, गलती मेरी है, तुम सबको सिर पर चढ़ा रखा है। आज से अकाउंट मेरे पति संभालेंगे। संभालोगे ना? करेंगे ना, आपको निराश नहीं करेंगे। अरे सब लोग ऊपर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। देखो देखो, इनके हाथ हिल रहे हैं। हाँ ये
चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल है, सुंडी सुडोकू। सुंडी सुडोकू? हाँ मैडम, ये चाइनीज एक्यूपंक्चर का एक पार्ट है। इसमें शरीर के मर्म स्थानों पर मालिश करने से इंसान में जान आ जाती है। शक्ति तो इसमें स्पेशलिस्ट है, पर जब इन्हें होश आए तो ऐसी कोई बात मत कीजिएगा जिससे इनको दुख पहुँचे। अगर ऐसा किया तो ये फिर से कोमा में चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पुरानी किसी भी बात का जिक्र नहीं करूंगी। अभी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से ये कोमा में गए हैं, बागीचे को संभालने वाला कोई नहीं है। सत्यानाश हो गया है। अब इन्हें कल से काम पे लगाती हूँ। आज तक कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाया। आपने पल भर में ही ये कैसे कर दिया? जो डॉक्टर नहीं कर पाता है, कभी कभी कंपाउंडर कर देता है। सुंडी सुड़ो को प्लान कामयाब हो गया। क्या बात है, कोई अर्जेंट काम था? वैसे तो आपको धमकी भरे फोन आते ही होंगे, पर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों की जान को खतरा है। तो अब हम क्या करें? किसी ऐसे कमरे में जाए जहां आप सोती ना हो। ऐसा कमरा तो बस हमारे पतियों का ही है। फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। मैं वहां नहीं सोऊंगी। जान के लिए एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, बट बी केयरफुल। हाँ चलो। मम्मा, बहुत जोर की बात कर रही थी, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं आज रात को आपके साथ सो जाऊं? इस उम्र में भी कितनी स्ट्रॉन्ग है आप मम्मा। बहुत जोर से कर रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। होने वाले बच्चों का। ए, मैं पूछ रही थी मम्मी कहाँ है? वो अपनी सेफ्टी के लिए पापा के कमरे में। तुम्हारे पापा के साथ? ए, पागल है क्या? तुम्हारे अपने पर्सनल पापा के पास? तुम्हारी मामा रोमिंग सिम कार्ड है क्या? मम्मा मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। क्या है ना कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कभी एक ही पलंग पर नहीं बैठा हूँ। तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे? कांपो मत, मतलब जाओ मत। इतना चाहते हो मुझे? इस सवाल का जवाब शक्ति कपूर बनके नहीं, संस्कारी आलोकनाथ बनके देना पड़ेगा। मम्मा तबीयत तो ठीक है ना? बॉडी हॉट लग रही है। हॉट मैं नहीं, मेरा मूड है। मम्मा! क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चिल्लाया? क्या हुआ माया? क्यों चिल्ला रही हो माया? चिल्लाओ नहीं तो क्या? ये आपके रूम में क्या कर रहा था? ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए हमारे कमरे में सो रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? मैं आपके कमरे में सोने चली गई थी और उसके बाद ये मुझसे आकर लिपट गई और लिपट कर सो गई। फिर जोर जोर से चिल्लाकर यहाँ। बस इतनी सी बात? ये वाली आंटी मुझे पहले से पसंद है। अगर यही प्लान था तो पहले बता नहीं सकते थे क्या? ठीक है जाओ जाकर सो जाओ। पूरे मूड पर फ्लश चल गया। चलो माया, हम तीनों मेरे रूम में जाके सोते हैं। तुम तो रुक जाओ। अंकल कल रात बहुत वक्त बाद चैन की नींद सोए हैं? अरे काहे की नींद, अकेले थे तो बिस्तर नसीब हुआ, पर कल तो हम लोग जमीन पर सोए। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, थोड़ी आप भी मदद कीजिए। क्या करें, जरा क्रेडिट कार्ड देकर बेटे को हमारे साथ भेजिए ना। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हम उन लड़कियों के बाप हैं। आप हमारे ससुर बनने वाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ी सी मदद कर दीजिए, प्लीज प्लीज। होने वाले तीनों दामाद के लिए इतना तो कर दो। तीनों नंबर वन ससुर हैं। दामाद जी प्यार के लिए तथास्तु। राहु कल खत्म होने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल सही कहा, सही मुहूर्त देखकर ही भरना। देखना हमारी जीत पक्की है। मंदिर के चढ़ावे का क्या हुआ? जब तुम नॉमिनेशन फाइल करोगे तभी चढ़ावा चढ़ाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो फिर हम निकलते हैं। संजय चलो हमारे साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं? वो गवर्नमेंट ऑफिस है, हमारी जान को खतरा है। जान को खतरा? मतलब हम इलेक्शन में आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नौकरी? तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ, बाकी लोग इनके साथ चले जाएंगे। ठीक है आप जाइए। ठीक है हम चलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट मैडम। संजय ये गोल्डन चांस खुद आकर तुम्हारी झोली में गिरी है, लपक लो। मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी, देर हो रही है, चलो जल्दी बैठो। आ रहा हूँ मैडम। मासी, ये तीनों हमारी गाड़ी में क्यों आ रही है? अरे ये सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं। सिक्योरिटी है तो आगे जाए ना, हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? कोई भी ऐरा गहरा घर में घुसा जा रहा है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लिया। तमीज तो है ही नहीं, न जाने ये आफत घर से कब जाएगी। माया वो मेरी एक फोटो क्लिक करोगी? सेल्फी ले लो ना। अरे बस एक ही फोटो। क्या मुसीबत है। रेडी? हाँ हाँ। अब ये कौन? ये हैदराबाद के सब इंस्पेक्टर हैं। एक सीक्रेट बोलूं तो किसी को बताओगी नहीं ना?
कैसा सीक्रेट? दरअसल मैं और संजय एक ही पुलिस बैच के हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उसे ऊटी में पोस्टिंग के दौरान एक लड़की से प्यार हो गया। उसे प्रमोशन भी मिल रहा था, लेकिन उस लड़की को खोने के डर से उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हम सारे दोस्तों ने मिलकर उसके प्यार का ब्रेकअप करवा दिया। इसी लड़की ने तो उसकी बीवी होने का नाटक किया था। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, इसके सर की कसम खाता हूँ। मेरी क्यों खराब है? तू चल बताता हूँ। मेरी झूठी कसम थी। अरे भाई का घर बसाना था, मगर उस चक्कर में मेरा टिकट कट गया। तो हेलो, शराब की भट्टी वाला सर, बोलो। यहाँ देखो। कहाँ पर? सर, आपको गिलास में पीने में तकलीफ होगी, इसलिए शराब नारियल में भर के आपके कार में रखवा दी है। आप जल्दी जाइए और गट 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 पी जाइए। मेरी कार में? नारियल बॉटम्स अप हो गए। तूने पिया क्या? मर गए संजय। ये बहुत बढ़िया था। और मिलेगा क्या? अभी लेकर आता हूँ। उस नारियल में पानी नहीं है, भट्टी वाले ने दारू मिक्स की है। कोको दारू? वो तो अपना कोटा था। मुझे चक्कर आ रहे, घर जाना है। सर सर, कार की चाबी मिल नहीं रही है, यहीं कहीं होगी। मुझे गाड़ी चलाने दो, देखो तुम्हारी जेब में ही होगी। मेरे पास नहीं है, वहाँ देखो। हेलो, देर हो रही है, तुम्हारी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही तो हमारी गाड़ी में चलो। ड्राइवर को बोल दो चाबी ढूंढ कर गाड़ी घर ले आए, आप हमारे साथ चलिए। देखिए वो खुला इनवाइट कर रही है, ऐसा बम्पर मौका फिर नहीं मिलेगा। जल्दी से हाँ बोलो। आप चलिए मैडम, हम बस अभी आते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। हजारों नारियल पानी पिए, लेकिन आज जैसा पिया वैसा लाइफ में कभी नहीं पिया। उस नारियल वाले को बुला के अपने घर के बगीचे में ऐसे ही नारियल लगाएंगे। एवड़ी आंटी को देखो, शराब की खेती करने के बारे में सोच रही। धीरे बोल, बोल खुल जाएगी। ओके ओके। अरे रे, मेरा जी घबरा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। तू दबर जाना। ये मेरे पैर है, पब्लिक पार्क नहीं, अब मैं किसी को भी नहीं बैठाऊंगी, अब मैं बैठूंगी उस पर। ओके। अरे सुनना, मुझे यहाँ पर बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे विंडो सीट चाहिए, प्लीज यहाँ पर बैठ जा। उल्टी करूँ क्या? सॉरी, मैं गियर चेंज कर रहा। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ओ, मुझे तो तोड़ेगा। मैंने कहा था ना, मेरी बात नहीं सुनी, अब यहाँ नीचे बैठो, चलो। क्लियर होगा तब जाके हमारा कुछ नहीं, नहीं, नहीं। जाओ। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तुम कुछ कहो, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे गलत मत समझना। क्या बात है माँ? आज जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने गई, नमस्ते। लाइए। क्या भाई, ये नॉमिनेशन है या रिजल्ट आ भी गया? इसे नॉमिनेशन नहीं, रिजल्ट ही समझो, बस जश्न थोड़ा जल्दी मना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, ये इलेक्शन जीत जाएगी? अगर तुम्हारे बाप जैसा नीच धूर्त इंसान इलेक्शन जीत सकता है, तो फिर ये तो श्यामनाथ जी की बेटी है। ये तो जीतने वाली है, ये बात तय रही, तुम अपनी खैर मनाओ। ऐसा क्या, अगर तू इलेक्शन जीत गई तो मैं पूरी जायदाद गांव वालों में बांट कर तुम्हारे घर में पहले जैसा नौकर बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं तेरे घर की नौकरानी बन जाऊंगी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो, आप तो मेरी मालकिन हो, आप क्यों नौकर बनने लगी? ये आपको शोभा नहीं देगा, उसके बदले में तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। चुप क्यों हो गई, कहीं हारने के डर से घबरा तो नहीं गई? देखो, इलेक्शन लड़ना तुम्हारा काम नहीं है, घर जाकर रसोई संभालो, इलेक्शन लड़ेगी। उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया, मुझे हराने का दावा किया। अगर नौकर होकर वो मेरे पिता की सीट ले सकता है, तो मैं बेटी होकर नहीं ले सकती क्या? यही सोचकर मैंने, हे, अगर तुम हारे तो तुम मेरे नौकर बनोगे,
और अगर मैं हारी तो मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। कोई अपनी बेटी को इस तरह दांव पे लगाता है? ठीक है, दीदी ने गुस्से में कह दिया, तुम लोग तो कुछ कह सकते थे, बस तमाशा देखते रहे। इसने पिताजी की बेइज्जती की, उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। दीदी अगर तुम हार जाओगी तो क्या माया को उस नौकर के घर ब्याह दोगी? छोटी सी प्रॉब्लम के लिए टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैडम का जीतना तो तय है। तुम उस पशुपति को नहीं जानते, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इलेक्शन में नीचे गिरने की नहीं, ऊपर उठने की जरूरत होती है। क्रिकेट में प्लेयर्स जितवाते हैं और इलेक्शन में पब्लिक, अगर पब्लिक साथ हो तो मैडम का जीतना बिल्कुल तय है। इस चुनाव क्षेत्र में चंदनपुरा, सोनपुरा, शामगढ़, भवानीगढ़ और रामनगर पांच ऐसे इलाके हैं जो इस इलेक्शन का रुख बदल कर रख देंगे। इस क्षेत्र में 22,000 वोटर्स हैं। यहाँ की पंचायत जिसे भी सपोर्ट करती है उसे जीतना ही है, उनका फैसला कोई नहीं टाल सकता। किसे सपोर्ट करना है, ये फैसला होता कैसे है? इतने सालों से पशुपति बिना किसी विरोध के जीतता आया है, लेकिन इस बार आप उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। आप इस इलाके के विकास के लिए क्या करना चाहती हैं, ये बात आपको यहाँ की पंचायत के सामने बतानी पड़ेगी, तभी पंचायत ये फैसला लेगी कि उनको किसको जिताना है। बहुत लोगों ने इस एरिया में स्कूल बनवाने का वादा किया था, ये मैं जानता हूँ। अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो मैं स्कूल बनवा के रहूंगा। एक स्कूल तो पहले से ही है, तो क्या हुआ अगर वो 2 किलोमीटर दूर है? लेकिन हॉस्पिटल की बात करें तो वो 20 किलोमीटर दूर है। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या गर्भवती महिला हो, उसे अस्पताल ले जाने में करीब 1 घंटा लगता है। अगर आप मुझे वोट दें तो मैं इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगी। और यही नहीं, यहाँ पानी की भी कमी है, मैं यहाँ के लोगों के लिए कुआं भी खुदवाऊंगी। कुआं तो खोद दोगी तुम, पानी कहाँ से लाओगी? मैं बस स्टैंड मैं पंचायत के लिए एक दफ्तर खड़ा करूंगी। मैं आपके लिए शादी का हॉल बनवाऊंगा। मैं हर गांव में पक्की सड़क बनवाऊंगी। सड़कों पे गाड़ियां चलवाऊंगी। दोनों उम्मीदवारों के विचार और तर्क सुनने के बाद पंचायत ने ये फैसला किया है कि इस गांव के सभी लोगों का वोट जाएगा इस साल खड़े होने वाली संयुक्ता देवी को। बड़े वादे कर रहा था, फिर पंचायत ने फैसला मेरे हित में कैसे किया? वही तो, आखिर तुमने उनके काम में क्या बोला? वहाँ जनता के सामने वादे पर वादे किए जा रहे थे, तो मैंने सीधा पंचों को पकड़ लिया। उन्हें कहा 50 लाख रुपए कैश दे देंगे, वोट अपने हो गए। वोटों का सवाल है, अगर स्वामी जी तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो वो वोट भी तुम्हारे होंगे। ये लो तथा स्वामी जी ने आशीर्वाद के रूप में रिंग दी है, तो फिर देना हमारा वोट संयुक्ता देवी को। मेरा भी वोट संयुक्ता देवी को। स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस आदमी ने स्वामी जी को रिंग के साथ 10,000 रुपए दिए और कहा कि संयुक्ता देवी को रिंग आशीर्वाद। रमेश बाबू इस बार खेती अच्छी हुई है नहीं? ऐसा क्यों? पूछिए ना। रमेश बाबू इस बार खेती अच्छी हुई ना? मैडम जी मैं हूँ रमेश बाबू, आप महान हैं, आपको तो ये भी पता कि मेरी खेती है, आप ही हमारी एमएलए बनेंगी, हम सबका वोट आप ही को जाएगा। हमारा वोट संयुक्ता देवी को। ये कैसा लॉजिक? हर गाँव में कोई ना कोई रमेश बाबू होता ही है, और गाँव है तो उसके पास खेती भी होगी। कॉमन मैन लॉजिक। संयुक्ता देवी के सितारे गगन चूमते हुए। तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हमें भी आपको जरूरी बात बतानी है। वो क्या है? पहले आप बताइए ना। हमें अपनी बेटियों की शादी की बात करनी थी। आप शादी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो दामाद भी चुन लिया। दामाद? वो कौन है? जो इतने दिनों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। संजय और उसके साथी।
सुपर ग्रेट चॉइस, हम भी उन्हीं की सिफारिश लेकर आए थे। अब उनके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि रिश्ता पक्का करें। बुलाने की जरूरत क्या है, हम हाजिर हैं। ऐसे क्या देख रही हो, मैं लौट आया हूँ। मैं कभी तुम लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया, लेकिन मेरे बेटे तो जादूगर निकले। इन्होंने तो आता ही तुम सबका दिल जीत लिया। बहुत खुश हूँ मैं। क्या कहा तुमने, तुम्हारे बेटे? हाँ, संजय कृष्णा शक्ति मेरे बेटे। घबराने की कोई बात नहीं, अटैक माइल्ड था, लेकिन दो दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। आप प्लीज फॉलोअप कीजिए। हमारी बेटियों को पैसों के लिए प्यार में फंसाया, एक खूनी की औलादों से और उम्मीद भी क्या होगी। बस बहुत हुआ, अपनी हद पार मत कीजिए। आपकी बेटियों को फंसाना ही होता तो उनसे भागकर शादी कर लेते और आप कुछ नहीं कर पाते। आज तक अगर हम चुप रहे हैं तो पापा की वजह से। चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आप। बहुत जल्द आप अपनी बेटियों का हाथ हमारे हाथ में देने के लिए गिड़गिड़ाएंगी, उसी दिन उनसे शादी करेंगे हम। अगर तू एक असली मर्द है तो ये करके दिखा। आपने मेरा असली रूप नहीं देखा, अब देखिए असली मर्द क्या होता है। ए! प्यार से बात करे उसके लिए दयावान, और जो मुझसे पंगा ले उसके लिए एक तूफान। क्या बात है, आंटी ने शादी का इरादा बदल दिया इसीलिए दुखी हो? शादी के लिए नहीं, बल्कि मैं आंटी के लिए परेशान हूँ। राजनीति उनके लिए नहीं है, उन्होंने इसका घिनौना चेहरा नहीं देखा जो आप उन्हें पशुपति दिखाएगा। जीतेंगी भाई, जीतेंगी, संयुक्त देवी जीतेगी, संयुक्त देवी। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तूने मुझे छुआ कैसे? देखा आप सबने, एक तो हम नीचे जाती लोगों से वोट मांगती है और हमसे अछूतों जैसा व्यवहार करती है। तूने जो किया वो सबको बता। बताओ, आप बताओ। मैं नीचे जाती का हूँ इसलिए मुझे थप्पड़ मारा ना, कोई और बचाओ तो बताओ। इन्हें संयुक्त देवी हाय हाय। पशुपति की अगली चाल और खतरनाक होगी, लोगों में आंटी के लिए नफरत बढ़ती जाएगी और पशुपति जीत के करीब पहुंचता जाएगा। संयुक्त देवी का बैनर गिरने से 5 बच्चों की मौत, काफी बच्चे हताहत हुए। राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर, संयुक्त देवी की लोकप्रियता के लिए काफी बड़ा धक्का है। घायल बच्चों के मामा काफी मांग कर रहे हैं। सारे तरीके आजमाने के बाद बाप बेटा मिलकर सीधा वार करना शुरू कर देंगे। इतनी धूमधाम से मेरा स्वागत करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ये धूमधाम तेरे लिए नहीं है, ये सारी तैयारियां तो मेरे होने वाली बीवी तेरी बेटी के लिए है। कौन करेगा हमारी मदद? अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, बस इलेक्शन हो जाने दो, फिर अपना ही राज है।
आतंकवादियों का बाप हूँ, मैं हूँ RDX। जुर्म मुझसे फड़फड़ाता है, भ्रष्टाचार मुझसे थरथराता है। किसी इलेक्शन में कलेक्शन, करप्शन, कमीशन, मैनिपुलेशन और वायोलेशन, इनको रोकना ही मेरा काम है। मेरी आंखों के सामने से जुर्म कभी बच के नहीं जा सकता। RDX को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि जिसने भी मुझे गुस्सा दिलाया मैंने उसे पेला। मेरा सिर्फ एक ही मुक्का 100 मुक्के के बराबर है। जिसे भी इसका सैंपल चाहिए लाइन लगा के खड़े हो जा। ये क्या, तूने बोला था ना यहाँ कर डायलॉग के बड़े बड़े पंच मारना, लेकिन इनके हथियार देख के मेरा बड़ा छोटा कुछ नहीं बचा। घबराने की क्या जरूरत, मैं आया हूँ ना तुम्हारे साथ। तू आधा किलोमीटर दूर बैठा है और यहाँ बगल में यमदूत खड़े हैं। आपकी हिम्मत ही आपकी ढाल है, अगर आप डर गए तो तलवार और बार। हर बात पे पंच मारते रहते हो, मेरा पंच भी बता दो। बोलो, मुझे शोर कम पसंद है, खून खराबा ज्यादा। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं किया तो मारे जाओगे। वैसे कौन सा बचने वाला हूँ। खून खराबा मुझे कम पसंद है और शोर शराबा ज्यादा। इसके पहले कि मेरा दिमाग सटके, तू सटक। ये पंच खुशकी हो गया, आगे क्या करूँ? मिठाई का डब्बा दे दो। ठीक है, ये लो मिठाई। और जाने से पहले डायलॉग मत बोलना, अगर मिठाई मांगोगे तो खीर दूंगा, मुंह बनाओगे तो चीर दूंगा। ए डिश एंटीना DTH। RDX राजशेखर, चकना मजा देता है, RDX सजा देता है। पेमेंट मुझे भी मिली है, एक पंच मेरा बनता है। बारूद के RDX को फटने के लिए माचिस चाहिए, लेकिन इस RDX को फटने के लिए नजर निकाल। मिठाई के डिब्बे में बम था? कुछ बातें सरप्राइज होनी चाहिए। अरे मेरे सर पे प्राइज रख दिया होगा उन्होंने, क्योंकि मैंने उनके अड्डे पर बम फोड़ा। बहुत होगी तेरी सरप्राइज गिफ्ट, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। आपने प्रॉमिस किया था साथ नहीं छोड़ेंगे, ये क्या? कब किया था? हमें बचाएगा कौन? राजशेखर। सिर्फ राजशेखर नहीं, RDX राजशेखर। RDX ये निकनाम मेरी किस्मत ने दिया है, पुलिस स्टेशन के दिवाली के बाद मिला है। और तुम तो बिना पैसों के कोई काम नहीं करते ना, तो इसकी मदद मुफ्त में क्यों कर रहे हो? छी छी, ऐसे काम करते हो, जाओ यहाँ से। ये वैसे भी काम करता है, याद है तुम्हारा ब्रेकअप? वो भी इसने करवाया था। सॉरी ब्रदर, लेकिन उस कनेक्शन को जोड़ा भी मैंने ही है, तो बाद में देख लूंगा। सर हमें निकालिए ना यहाँ से, बहुत काम करने हैं। तुम्हारे पास बहुत काम होंगे, लेकिन मेरे पास एक ही काम है और वो काम मुझे तमाम करने। मैं आपकी सिफारिश नहीं करता तो आपकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होती। अबे तो उंगली नहीं करता तो मैं अब तक ACP बन गया होता। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, एटलीस्ट बेल पर मुझे निकाल कर अपने साथ तो रख सकते हैं। हाँ वैसे भी देखने में तो भाड़े का बॉडीगार्ड लगता है। यहाँ जो ताला लगा है उस ताले की चाबी किसके पास? आपके पास। सर ये शहर थोड़ा अलग है, जगह साफ करने के लिए कचरा नहीं जलाते, बस्ती जला देते हैं। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ते, बॉम्ब फोड़ते हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि डरा रहे हो? अगर आप हिम्मत से बात करेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे। हिम्मत कैसे दिखानी है वो मैं सिखाऊंगा। पहले स्टाइल मारिए, फिर धमकी दीजिए, फिर मिठाई का डब्बा दीजिए। ओके, मैं अपनी चाल चलूं? मैं जो कहूंगा वही आप कहेंगे, प्रॉमिस कीजिए। आपकी लाइफ की गारंटी मेरी। हो गया प्रॉमिस। सारे के सारे डायलॉग तुम्हारे, सारे पंचेस भी तुम्हारे, तो फिर सीन में मेरी क्या जरूरत है? सर आपके घर की चाबी अभी तक मिली नहीं है, फिलहाल आपका सामान अंदर रखा हुआ है। ये सारे के सारे फोटो पर हार क्यों चढ़ाए? इन सब का हैप्पी वाला बर्थडे है क्या? सर इन सभी पुलिस वालों ने पशुपति से पंगा लिया था, अगर आपने भी लेने की सोची तो फोटो लगाने की तो जगह भी नहीं बची। तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? लगाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्योंकि असर हो रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं, किसी की बारात में आए होंगे। आपकी अंतिम यात्रा के लिए आए हैं। कौन है? हमारे अड्डे में आकर हम ही को बम छोड़ाओगे? मैंने तो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बारह ना। हमला! चले गए क्या? क्या उन्हें कॉफी पिलानी बाकी रह गई थी क्या? आज तुम्हारी वजह से मैं उन 10-15 से बच सका हूँ, कल 100 लोग आ जाएंगे तो मैं क्या उखाड़ूंगा। अरे मैं हूँ ना सर। तुम तो हो ही ना, मैं रहूँ ना रहूँ? क्या हुआ माया, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोऊं या हंसूं आपको इससे क्या, अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। देखो माया, मेरी जीत के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओ, आपको अभी भी लगता है कि आप इलेक्शंस जीत जाएंगी? जिस दिन आपने संजय को घर से निकाला आप उसी दिन हार गई थी। माया रुको, माया मुझे लगता है हमें संजय को फिर से बुलाना चाहिए। मुझे भी वही सही लगता है, एक छोटी सी गलती के लिए वो लोग बहुत भुगत चुके हैं। पापा का कत्ल तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी गलती लगती है? हमारे पापा नहीं रहे ये बात तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं ना भूलूंगी ना माफ करूंगी। Hey!
आरडीएक्स अचानक गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा दिया हुआ वादा। वो अकेला था क्या? देखो कैसी धुलाई की हमारी, अंधेरे में इतना पिट गए। सोचो दिन के उजाले में क्या हो जाता है। उसका बॉडी और मसल पावर मैच नहीं करता है, देखने में एकदम सूखा खाखरा लगता है, लेकिन मारना शुरू करता है तो खाखरा ढोकला फाफड़ा सब बाहर आ जाता है। सही बोलो भाई, इसके हाथ मरने से पहले आखिरी पंच मार के जा रहे हो क्या? मुंह का शटर बंद करो, मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। जो झगड़ा मिठाई के डिब्बे से शुरू हुआ था वो मिठाई के डिब्बे से खत्म हुआ, उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। आरडीएक्स वहाँ मिठाई खिलाने आया है। आरडीएक्स? और अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो तो मुझे वोट देना है। ये तो सच में आ गया। वो मिठाई का डब्बा नहीं है, तुम्हारी कब्र है। संयुक्ता मैडम के खिलाफ बकवास की थी ना तुमने, उसका बदला लेने आ रहा है वो। अगर जिंदा रहना है तो जाकर उसके पाँव पकड़ लो, अपनी जिंदगी की भीख मांगो। उसे विपक्ष को देंगे। अकेले में माफी मांगूंगा तो मेरी धुलाई हो जाएगी, पब्लिक के सामने माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ कर देगा, क्योंकि वो नेता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं। यहां की सड़कों का ओरिजिनल डायलॉग था, वो भी गया। मैं वो पशुपति जी, जो हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, जो हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, चाले तो ये चल रहा था। इसी के कहने पे मैंने संयुक्ता देवी के रैली में जातिवाद का मुद्दा उठाया, और इसी के कहने पर स्कूल के बच्चों के ऊपर बैनर भी गिरवाया गया था। जातिवाद का मुद्दा उठाया, स्कूल के बच्चों पे बैनर गिराया, इसका मैं क्या करूं? मुझे अपना काम करने दे। ये मिठाई मैंने आपको सब सच तो बता दिया, फिर आप क्यों मुझे मारना चाहते हो? मुझे पता है इसमें बॉम्ब है। बॉम्ब नहीं, शुद्ध देसी घी की बादाम कतली है रे। बादाम कतली हो या बॉम्ब, आप तो नजर से ही फोड़ देते हो। सर जी, ये क्या बिना चाबी के ढोल पीटे जा रहा है? आइडियाज आपके सब सुपर है, ये आदमी एक नंबर का खच्चर है। देखिए ना, सबके सामने आपकी पोल खोल दी। पापा, करे ही लोगों का भांडा फोड़ देता है। अरे वो, अरे सुनिए, बहुत अच्छा लगा। पशुपति का सिर फिरा ना तो ये लोग मुझे कंधे पे उठाएंगे। अरे उनसे माफी मांग के मैं सब कुछ सेटल करने वाला था, तुम बिल्कुल घुमर कर दिया, घुमर कर। सारे पैसे लोगों में बांट दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो क्या इलेक्शन में हार के उसके घर का नौकर बनूं ये चाहते हो तुम? तो आप उन्हें पैसे बांट के उनका वोट खरीदोगे? 5 साल से हम लोगों का पैसा खाते आए हैं, अब अगर उसमें से कुछ हिस्सा लोगों को वापस कर दें तो वो हमें जरूर वोट देंगे। एक काम करो, सारे लिफाफों में 1000 के नोट डालकर वोटर्स तक पहुंचा दो आज के आज। उन्हें पता कैसे चलेगा ये हमारे हैं? हर लिफाफे में हमारी पार्टी का पर्चा रहेगा। उस पुलिस वाले ने फिर से राड़ा किया तो? उस जोकर को मैं संभालूंगा। सर, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ से खिसक रहा हूँ क्योंकि कल इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। पशुपति जीता तो खुशी से मारेगा, हारा तो गुस्से से मारेगा, कुछ भी हो मरना तो मुझे। सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं हेलो, संयुक्ता देवी के आदमी गांव वालों में पैसा बांटने के लिए 5 लाख रुपए लेके निकले हैं। सच में? और नहीं तो क्या? क्या बात है, मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ सर? तुम्हारी आंटियों को अरेस्ट करके पशुपति को इम्प्रेस करने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। तुम्हारे आंटी के लोग आम लोगों में 5 लाख बांटने निकले हैं, मैं उन लोगों को पकड़ता हूँ। मैंने जोक सुनाया क्या? सर, मेरी आंटी बहुत स्मार्ट है, वो तो 5 लाख रुपए के चक्कर में आपको उलझा कर इसी रूट पर करोड़ों की हेराफेरी करेंगी। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? आपको यकीन नहीं है क्या? गाड़ी स्टार्ट करो, उन्हें लगेगा। सबकी तरह मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे? सर, उल्लू की इंसल्ट मत कीजिए, वो देखो आ रहे हैं। तुम्हारी आंटी मॉडर्न जमाने की शूरपनखा है, इसको गैर कानूनी काम करने से मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं इस मॉडर्न जमाने का विभीषण हूँ। तुम देख दे जाओ क्या होता है। सर, प्रैक्टिस स्पीड बढ़ती जा रही है, इसे रोकेंगे कैसे? समझो रोक लिया, अब मेरा बट देखो। अरे ये तो आरडीएक्स है, भागो। अरे ये तो पशुपति के लोग हैं। पशुपति के आदमियों को भाड़े पे लेके तुम्हारी आंटी क्या भंगार का बिजनेस कर रही है? ओए माँ, इस पर तो पशुपति की फेसबुक वाली सेल्फी। क्या बात कर रहा है? हेलो, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे मेरा माल रुकने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तू नहीं बचने वाला, समझा? वो गलती से मिस्टेक हो गई। आप अपनी घटिया चाल के बारे में मुझे बता तो देते, मैं खुद जाकर आपका काम कर देता। तू पुलिस ही है ना? अब तो मैं अपनी वफादारी साबित करके ही रहूंगा, उसके बाद ही आपके सामने आकर आपको मिठाई खिलाऊंगा।
अबे चल पंचर निकालने में मदद कर। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अबे पिक्चर खत्म होने वाली है, अब तो कुछ काम कर ले। तू तो कर। भाई उस आरडीएक्स ने गांव भर में लिफाफे बांट दिए। दूर खड़े रहो ना, तोता मैना की तरह चोंच लड़ा रहे। ये ट्रक की चाबी। बोलो। ये आपके कवर मैंने सब लोगों में बांट दिए हैं। कुछ लोगों को दो दो दिए हैं ताकि वो आपको जाली वोट भी दे सकें। ये जो बचे हुए कवर हैं, इनमें जो पैसे बचे हैं उसे जमा करके आप चार जोड़ी नए कपड़े सिलवा दीजिएगा। इन्हें तुम रख लो। ठीक है, मैं पर्दे में से शर्ट सिलवाऊंगा। सर जी, क्या हुआ? आपने गलती से साड़ी में फोटो तो नहीं खिंचवाई थी क्या? अरे आपके आदमी 100-100 किलो के, लेकिन उनका दिमाग 100 ग्राम तक का नहीं है। एग्जांपल देके बताता हूँ, हर लिफाफे में आंटी की फोटो है, आपकी फोटो नहीं है, तो वोट उन्हीं को मिलेगा ना। पंचर कैसे बदल गया? वो मुझे क्या पता, हमारा ट्रक पंचर हो गया था, फिर मैंने टायर चेंज किया, फिर उसके टायरे को गांव लेकर गया, फिर जैसे ही मैं लिफाफे बांटने जा रहा था। ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मदद कर रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे, तुम जाके बांसुरी बजाओ। ओके। तो ये उन बेईमानों का काम है। बता साले, मेरे पंच कहाँ गए? छोड़ूंगा नहीं उसे, इलेक्शन हो जाने दो। हम जीतेंगे ना पापा। मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, उसका समधी जरूर बनूंगा, उसको धूल चटा के उसका गुरूर तोड़ूंगा। हेलो, बोलिए मामा। हाँ जी, कहाँ हो? जैसा आपने कहा, मैं ट्रकों में हुंडे ला रहा हूँ। सीधे संयुक्त के घर जाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ध्यान रहे, उसको तुम्हारे बारे में पता ना चले, मैं भी आ रहा हूँ। समझ गया मामा। मुझे वहाँ 5,000 लोग दिखने चाहिए, उन्हें कैसे और कहां से लाना है तुम देखो। इंतजाम हो जाएगा भाई। अब या तो आर या पार, लेकिन उससे पहले मैं उस पुलिस वाले से निपटूंगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, तुम बस लड़कियों को लेने आ जाओ। ओके अंकल, तुमने क्या सेट कर दिया? मैंने पीछे का दरवाजा खुला रखा है और लड़कियों को प्रोग्राम समझा दिया, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी आओ। शुक्र है। पापा, पर मम्मी क्या कहेंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, पशुपति इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा, तुम्हारी माँ बहुत ही जिद्दी है, उसकी जिद के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। जाओ बेटी, चली जाओ। पर पापा, तुम्हारी भलाई इसमें, जाओ। अरे हम लोग, माया को यहाँ से भेजकर अच्छा किया, हमने भी लड़कों को यहाँ बुलाया है अपनी बेटियों को यहाँ से ले जाने के लिए। हमने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान भरोसे। घर के बाहर तो ऐसी भीड़ लगी हुई है जैसे कोई सेल लगी हुई हो, अब लड़कियों को कैसे भगाएंगे? ना नहीं। कौन हो तुम लोग? हमें अंकल ने भेजा है। ओ, मुझे भी अंकल ने ही भेजा है। आ जाओ, चलो अंदर चलो। मामा दिखने में ढीले डाले से लगते हैं, पर प्लानिंग उनकी सॉलिड है। देखो कितने लोगों को बुलाया है यहाँ पर। बहस करने का वक्त नहीं है, घर वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी, कोई मजाक है क्या? पापा ने यहाँ भेजा और तुम घर वापस भेज रहे हो। मैं अब तय करके आई हूँ, चलो हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आंटी मुझसे नफरत करती है, ये करूंगा तो नफरत बढ़ जाएगी, फिर ये परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। मेरी बात मानो माया। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। ये कैसा सिग्नल है? सिग्नल नहीं है, हिचकी है। ए, नाक बंद करने से हिचकी नहीं, सांस बंद होती है। पता है, मैं इसका मुंह बंद कर रहा हूँ, अगर इसका मुंह खुला तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। एक सेकंड रुक। ये ले पानी। इतना मत भर, निकालेगा कहाँ? वो यहाँ नहीं है, संजय के पास गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वहाँ भेजने की? अंदर क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हें मालूम है क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रही है ये? भाई फ्रिज में और भी बोतलें थी क्या? नहीं, सिर्फ एक ही बोतल थी। तभी तो मैडम को लगा पति पानी पी गया, उन्हें ठंडा पानी पीने की आदत है ना, इसलिए चिल्ला रही है। बेटी की खुशी के लिए हिम्मत नहीं बल्कि दिल में प्यार होना चाहिए। अब तुम भी मुझसे बगावत पर उतर आए,
मैं कहती हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, ये गुस्से से उंगली क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो बॉटल भर के रखना भूल गए ना, इसलिए धमकी दे रही है। तुम सत्या गए हो क्या? क्या हुआ, सब ठीक है? इन्होंने माया को संजय के घर भेज दिया। मैं होती तो भी यही करती, कम से कम वो तो खुश रहे। तुम तो कहोगी उसे 9 महीने मैंने कोक में पाला है, इसलिए दर्द मुझे ही होगा। बेचारी भूखी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पीकर गुजारा कर लेती, और तू सारा पानी पी गया। लेकिन किसी को पानी पिलाने से तो पुण्य मिलता है। खुद की बोतल से पिया होता तो, अब उसकी बोतल से पिया तो पाप तेरे सर। लेकिन भाई दिया तो तुमने था ना। तुझे जहर देंगे तो पी लेगा क्या? माया चली गई, तुम जानते हो? नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो पगार क्यों बाकी लेते हो? जब तक चोर नहीं मिलता तब तक चुप नहीं बैठेगी। पानी पिया है, कोई खून तो नहीं किया ना, फिर भी मैं उसके पैरों में पड़कर माफी मांग लेता। मैडम गुस्से में अभी मत जा, नहीं तो जान से मार डालेगी। मेरे लिए खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, अब पता नहीं क्या करने गई है। मार रहे हो? मैंने इससे पहले ही कहा था पानी खरीद ले, पानी खरीद ले, मगर ये नहीं माना, नहीं माना। छोड़ो मुझे। दीदी रुक जाइए। अरे क्या कर रही हो? जाने दो, मुझे जाने दो। अभी माफी नहीं मिली तो मुझे मौत मिल जाएगी। हटो हटो, लेकिन तुम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था एक ही बोतल है, मुझे माफ कर दीजिए। आप जिसे गोली मारना चाहती है वो पापी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उसके पैर क्यों पड़ रहा है? मामा, मामा, मुझे बचा लो मामा, ये मुझे मार डालेगी। ये इसे गली क्यों मिल रहा है? अरे यही तो हमारे बॉस के अंकल हैं। इसका मतलब हम अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हम तो बुरी तरह फंस गए। मामा अपने 2 आदमी और हैं, उन्हें भी बचा लीजिए ना। अरे तो किसकी बात कर रहा है? उन दोनों की। गली गली से पकड़ो उन्हें। रुको, वो मेरे आदमी थोड़ी है, उसके आदमी है। कहाँ है तुम्हारी बेटी, मेरी होने वाली बहू? वो यहाँ नहीं है, वो संजय के पास चली गई है। उस दिन वादा करके आज उसे मुकर रही हो, यही था तुम्हारा प्लान? उस दिन तुम्हारे बाप को मारने के बाद अगर मैं तुम्हें भी मार देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बेटे मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। अरे मारू से रोको अरविंद, आपके जीते जी मैं एमएलए नहीं बन सकता। लेकिन उन्हें मारा मैंने, जैसा मैंने चाहा, तुम्हारे बाप की गद्दी भी हासिल कर ली। उस दिन से आज तक एमएलए मैं ही रहा हूँ, लेकिन आज तक लोग मुझे तुम्हारा नौकर ही बुलाते आए हैं, पर आज के बाद मैं तुम्हारा समधी कहलाऊंगा। अगर मैं हारूंगी तो ना? तू मरेगी तो भी। आंटी पर किसने हाथ उठाया? मेरे पापा ने उठाया, क्या कर लेगा बे? ये तो खाएगा। खा लिया। मेरे पापा के लिए श्यामनाथ जी भगवान थे, मेरी आंटीज को उन्होंने बहन जैसा प्यार किया, उन्हें नाजों से पाला, एक भी खरोच उन पर नहीं आने दी, और उन पर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? किसी जमाने में पानी की जगह दारू से नहाता था मेरा मामा, और आज उसी पानी के लिए उसकी धुलाई हो रही है। गुनाह मैंने क्या है? मुझे मारिए, मुझसे क्यों मार रहे हो? इसकी फाइट देखकर चाइना का कंग फू याद आ गया, ये है असली मर्द। इसे ऐसे फाइट करना मैंने ही सिखाया है। 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हें भी एक डेमो दिखा देता हूँ। देखो वो हमारे लिए जान पर खेल कर लड़ रहा है, मेरा तो दिल करता है कि इससे अपनी बेटी की शादी करवाऊं।
मारने के लिए पकड़े मिल गए। इन दोनों ने जब भी मेरी मदद की है हमेशा मेरा पत्ता काटा है। रुक जा मैं मार दूंगा इसे। तो मार देना। कैसा आदमी है, कुछ परवाह नहीं तेरी। ये एक नंबर का कमीना इंसान है। पहले इसने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली थी, फिर ऊटी में मेरी नौकरी भी छीन ली थी, अब मेरी जान जा रही है वो भी इसी की वजह से। क्या सॉलिड पीस है। क्या कहा? ए, मैं लकड़ी की बात कर रहा था, आप भी कम नहीं है। उनकी हिम्मत तो देखो, पुलिस वाले को ही बांध दिया। मुझे अपनी लाइफ का सच्चा प्यार यहाँ क्लाइमैक्स में आके मिलेगा, सोचा नहीं था। और इसकी चिकन रोल, वेज रोल, पनीर रोल सुना था, प्यार का रोल तगड़ा है, ये प्यार का रोल मैं रोज खाना चाहता हूँ। स्कूल बेल की घंटी कितने बजे? ये रहा डेमो। रोल में ये सॉस बाकी था। पट्टी बांधती हो? चाहे पूरी दुनिया कट्टी कर जाए, तेरे साथ कट्टी वट्टी नॉन चवट्टी खेलूंगा। नॉटी। यू हॉटी। कभी छूट रही है क्या? तो फिर घर में एसी लगाते ही क्यों? अच्छा ये बताओ, वो लाल छड़ी मैदान खड़ी, दुश्मनों पर जो भारी पड़ी, दिखने में है फुल झड़ी, बताओ वो कन्या कौन है? इस घर की छोटी बेटी है। छोटी बेटी है? मुझे लगा तीन भाइयों को तीन पत्नियां मिल गई हैं, लेकिन यहाँ तो एक छोटी पीस बाकी है, वो छोटी जो बनाएगी मेरे घर दाल रोटी। मौत का तमाशा, आजा बाहर, आ जाओ, अरे आओ ना। अबे ये हमारे ग्रुप का लीडर है और तूने हम लोगों को उसी को मारने के लिए बुलाया? और पैसों में नहीं, असली मर्द में होता है वो, तू नहीं संजय है। तुमने हम सबको क्यों मारा? इन्होंने मेरी आंटी पर हाथ उठाया। वो तो इसने किया ही, साथ ही तुम्हारे दादा की मौत का जिम्मेदार भी यही है। तुम्हारे पापा को झूठे इल्जाम में फंसाने वाला और तुम्हें अपने परिवार से दूर रखने वाला यही दरिंदा है। अब तो लेने के देने पड़ गए, मर गए। मेरी किस्मत में पास्ता तो क्या, देसी नाश्ता भी नसीब नहीं है।